हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और एक बार जोर हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। आज है श्री व्यासदेव का जन्मदिन, इसलिए आज इसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा, क्योंकि जो मूल गुरु है श्री व्यासदेव है। बोलिए व्यासदेव कौन है? बोलिए व्यास नारायण स्वयं। ये व्यास देव और कोई नहीं, ये भगवान नारायण ही भगवान की छह तरह का अवतार है। आवेश अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, आवेश अवतार और पुरुषावतार, ऐसे भगवान की छह अवतार है। बल ये व्यास देव कौन है? बल ये भगवान की ये सत्यावेश अवतार श्री ये व्यास देव है, इसलिए श्री व्यास देव जी का आज जन्मदिन है। बल एक समय श्री पराशर ऋषि यमुना को पार करते हुए एक बार में आए, लेकिन जब वो पार करना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे, वो केवट तीन भर लोगों को उतारते हुए पहुंचाते हुए करते करते थक गया था। पहले केवट लोग करके जमुना किनारा में ही बास करते थे। ये जमुना में जहाँ विश्राम घाट, आप लोग गए होंगे विश्राम घाट, उसको पास में एक घाट है जिसका नाम श्री कृष्ण गंगा घाट स्थित है। घाट है श्री कृष्ण गंगा घाट है। जब वो पार करना चाह रहे थे केवट सो गया था, लेकिन वो केवट का एक बड़ी प्यारी एक सुंदरी लड़की थी जिसका नाम थी सत्यवती। बल ये सत्यवती बड़ी ही सुंदर थी। बल इसकी जन्म कहाँ से हुई है? बल एक मछली की गर्भ से इसकी जन्म हुई। बल मछली की गर्भ से कई सुंदरी लड़की जन्म हो सकती, पर ये मछली की गर्भ से कैसे जन्म हुई? कहती ये मछली ये पूर्व जन्म में ये बड़ी कोई एक सुंदर अवसर थी स्वर्ग का, किसी कारण से एक ऋषि ने इनको अभिशाप दिया है, उसने कुछ गड़बड़ की। बोले जाओ तुम मछली बन करके रहो। अभी उनकी अभिशाप से वो यमुना नदी में मछली बनी हुई थी। एक समय आकाश में एक अप्सरा बड़ा सुंदर आकाश में उड़ते हुए जा रहा था, उसी की रेत स्थलित होने पर वो रेत को बिरजे को ये मछली ने पान कर ली। पान की तो एक समय केवट ने यमुना में मछली पकड़ते हुए ये मछली कैसे जाल में फंस गया। जब उसने मछली के पेट को काटे देखा अपूर्व सुंदरी एक लड़की, ये मछली की गर्भ से जन्म हुई, इसलिए इसकी शरीर से मछली की बदबू आती थी, इसलिए इसको नाम करते थे मत्स्य गंधा। मत्स्य मतलब होता है मछली, गंधा मतलब वो मछली के पेट से जन्म हुई, इसलिए इसकी शरीर से मछली की बदबू आया करती थी। लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया जोजन गंधा। महाभारत देखे हो? कौन कौन महाभारत देखे हो? हाथ उठाओ तो महाभारत कौन कौन देखे हो? आप लोगों को पता होगा। बोले जिस समय है शांतनु महाराज कभी उन्हें शिकार खेलने के लिए गए, अब महाभारत देखे होंगे, इसकी शरीर से इतने सुंदर कमल फूल की खुशबू निकलती थी, एक जोजन तक वो खुशबू जाती थी। ये शांतनु महाराज बोले इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है? उन्होंने ढूंढते 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 फिर उन्होंने सत्यवती से मिले, फिर सत्यवती से ही उन्होंने शादी की बात में है। इसलिए अभी जब श्री पराशर ऋषि बोल रहे थे हमें कोई जमुना नदी पार करा दो, अभी जो केवट ने अपना बेटी को बोले बेटी
संत आए हैं पराशर ऋषि, उनको थोड़ी सी यमुना नदी पार करा दो। जब ये यमुना नदी को पार करा रही थी, लेकिन पराशर ऋषि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये वो त्रिकाल दृष्टा थे। वो पहचान गए ये बेटी कोई साधारण बेटी नहीं, इसलिए उन्होंने एक सुंदर वहां पर टापू थी है? अभी वो नाव जा करके वहीं पर लग गई भगवत इच्छा से। अभी वहां पर कोहरा कोहरा हो गया, ऋषि ने ये लड़की को ऊपर उन्होंने तिब्बत दृष्टि की, तिब्बत दृष्टि में देखते ही वो उसी समय में उसने गर्भ धारण किया और उसी समय में ही उन्होंने श्री व्यास देव को उसी समय में ही उन्होंने जन्म दिया है। बोले श्री व्यास देव की जय। बोले श्री व्यास देव की जय। जब व्यास देव जन्म हुए वो देखने में कैसे थे? जैसे कृष्ण का रंग जैसे, कृष्ण का रंग जैसे, कृष्ण का रंग जैसे उनकी रंग थी, एकदम देखने में कृष्णा जैसे रंग। अभी वो लड़की तो शर्मिंदा में पड़ी, क्यों? अभी तो शादी भई नहीं। वो शादी से पहले अगर किसकी बच्चा गर्भ में आ जाए दुनिया क्या बोलेगी? गंदी बात बोलेंगे। इतने में वो तो शर्मिंदा में पड़ेगी, अभी शादी नहीं हुई और शादी से पहले ही हमारे गर्भ में ये बच्चा आ गया। ऋषि ने कहा बेटी कोई चिंता मत करो, ये भगवत इच्छा है, ये भगवत इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इसी बच्चे से ही जगत में तुम्हारा नाम ख्याति होगा, इसलिए जगत में तुम्हारी बड़ी नाम होगी, दुनिया में बड़ा जस मिलेगा इस बच्चे से। ये बच्चा कोई साधारण नहीं, ये भगवान की ये सत्यावेश अवतार है, भगवान की शक्ति इसी को द्वारा प्रवेश करते हुए जगत में। अभी जो लोग आ रहे हैं ना प्रभु जी वहां पर रुचि खड़े हो जाओ, अभी जो आ रहे हैं इसको आने मत दिया करो, जब कथा समाप्त हो जाएगी फिर आ जाना, ठीक है? वहीं पर बैठ जाओ, वहां पर कोई खड़े हो जाओ तुम, बोले जो आए ना बोले बैठो वहीं पर, ठीक है? बात में आए अभी बोले बेटी ये साधारण नहीं, इसी बच्चे सहित तुम्हारी जो खानदान बढ़े। आप लोग महाभारत तो सुने होंगे, जिस समय ये पांडु ने शरीर त्याग की, इनके वंश समाप्त हो गया, इनके वंश, तब श्री व्यास देव की कृपा से ही इनके वंश में श्री पांडु महाराज हुए इस वंश में। और ये धृतराष्ट्र और ये जो संजय श्री विदुर, क्या इनको ये तीन बेटे हुए और इनसे ही विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि इनसे ही बढ़ते रहा। बल्कि तुम कोई चिंता मत करो, ये बेटा से तुम्हारा अपजय से नहीं, ये बेटे से तुम्हारी दुनिया में जस फैलेगी, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो हैं। अभी इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। बोले कृष्ण नाम क्यों पड़ा? बोले भगवान की सत्यावेश अवतार। अब कृष्ण जैसे काले थे ये भी वैसे ये काले थे कृष्णा, फिर दूसरा मतलब द्वैपायन, द्वैपायन नाम क्यों पड़ा? वो तीन से ही प्रकट हुई द्वीप से। बोले वेदव्यास नाम क्यों पड़ा? बोले पहले वेद एक ही वेद था ऋग वेद, फिर इन्होंने सारे वेद को उन्होंने धीरे 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 वेद को उन्होंने प्रकाशित किया है, उन्होंने प्रसार किया है, फिर इन्होंने सारे जितने ब्रह्म सूत्र भी इन्होंने बनाए, इन्होंने 18 पुराण को इन्होंने बनाए, फिर इन्होंने उपनिषद को इन्होंने बनाए, फिर पंचम वेद, देखा स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं, इसलिए इन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत को बनाया। लेकिन जब उनको शांति नहीं मिली, सब श्री नारद जी आए और अशांत का कारण बताया, बोले बेटा जथा धर्म दयस्यार्था मुनि वर्ज्यान कृतिक न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्तित, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिली। हाँ ध्यान देकर सुना, हम भी दुनिया में शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, शादी करते हैं,
दुकान मकान भी बनाते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। बोले क्यों? तो क्योंकि जीव का जो स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य का। तो शांति कैसे कर सकते? कहते जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कौन है? हम भगवान की नित्य दास है। इसलिए जब तक ये जीव भगवान की भक्ति नहीं करे, भगवान की सेवा नहीं करे, उनकी पूजा नहीं करे, तब तक भले ही सारा दुनिया की जो कुछ वस्तु की प्राप्ति नहीं कर ले, उसको शांति स्वरूप नहीं मिल सकती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। मतलब भगवान से विमुख होकर के हम क्या सोचते हैं, शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे। आप लोग रावण का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब जानते हो। बताओ उसका पास में कितना संपत्ति थी? पूरा सोने की लत था। हमारा पास में कितना किलो सोना होगा? गुजर घर में बहुत सोना, 1 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, 10 किलो हो सकता है, 20 किलो, उससे ज्यादा होगा नहीं। लेकिन उसको पास में सोने की लत था। उनका डाइनिंग रूम भी सोने की, किचन भी सोने की, बाथरूम भी सोने की, टॉयलेट भी सोने की, सब सोना ही सोना ही सोना। हम सोचते हैं शायद किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी ना, सरस्वती हो जाएगी। रावण का पत्नी का नाम क्या थी पता है? मंदोदरी। मंदोदरी मतलब आपको पता है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर बहुत पतली थी, क्योंकि वो थी विश्वकर्मा की बेटी। विश्वकर्मा की बेटी, उसने सारी अच्छे अच्छे गुण देकर उन्हें ये लड़की को उन्होंने सृष्टि की थी। इसलिए रावण जिसकी सुंदरता को देख करके शादी किया था। इसलिए पत्नी बड़ी सुंदरी, बेटा कौन है? हम सोचते हैं शायद बढ़िया है कि बेटा हो जाएगा ना, शायद घर में शांति सुख मिलेगी। रामायण देखो, मेघनाथ जैसे बेटा, इंद्र जी जो पिताजी के लिए अपना प्राण को भी बलि देने वाली, लेकिन तब भी शांति सुख नहीं मिला। क्यों? जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करे। क्यों? जो जीव है वो ईश्वर का अंश है हम सबके सब। जब तक हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे, भले ही दुनिया की सारे वस्तु को इकट्ठे कर लो, शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए श्री नारद जी बोले, व्यास देव तुमने भगवान की कृष्ण की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाई कि नहीं? कैसे भगवान भगवान होते हुए भी सखा का झूठन कैसे खाते? भगवान होते हुए भी अगर श्रीराम के साथ में लड़ते लड़ते अगर कभी कृष्ण हार जाएगा, श्रीराम बोल कन्हैया घोड़ा पर, बोले मैं नहीं घोड़ा करता, बोले तो घोड़ा नहीं बनोगे, बोले नहीं, बोले सखा इसको अलग कर दो, कोई इससे बात नहीं करेगा, उसको अकेला कर दो। कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत किया करो, मैं घोड़ा बनूंगा, लेकिन ऐसे मेरे को अकेला मत किया करो, कृष्ण घोड़े बन गए। मैया के प्रेम में इतने वशीभूत हो गए, अगर कभी भगवान ने मक्खन चोरी की, मैया बोले लाला तेने मक्खन चोरी की, कृष्ण क्या बोलते डर से? मैया ने मेरे को मारे नहीं, क्या बोलती थी? बोले मैया मोरी मैंने ही मार हर न खायो। इसलिए डर से वो बोलते थे भैया मैंने मक्खन नहीं खाई। अगर कभी मिट्टी खाए ना, भैया जाकर सीधा कृष्ण की कान पकड़ते थे, और कहीं नहीं, बोले क्यों रे चोर चोटे, घर में कहीं मक्खन की और हमारे मिश्री की कमी है, तुमने मिट्टी खाई? मिट्टी तो मैंने खाई। बोलते अपवित्र गंदा बच्चा, बोले जिनका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाते हैं, कहते ना नमो अपवित्र पवित्र वा, जिनका नाम लेने पर जीव पवित्र होते हैं। भैया कहते तू गंदा बच्चा है, तू अपवित्र है, गाली देती है, सीधा कान पकड़ती है, दुनिया का कान पकड़ के जो उठाती है बैठाती है। लेकिन आज भैया क्या कर रही है, कान को बोल रही है तुमने मिट्टी खाई। कृष्ण कहते भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, कैसे बोल देते, झूठ बोल देते। बोले तुमने सब बात को लिखी? बोले नहीं, बोले तुमने ये लिखे कृष्ण प्रात पर तत्व होते हुए भी गोपियों को चरण में प्रेम की भीख मांगते हैं, उनकी ऋणी मांगते हैं लिखे? बोले नहीं, बोले तुमने ये लिखे जब राधा रानी मांग कर लेती है श्याम सुंदर
अपना मौर मुकुट उतार करके चरण में रख लेते, अपना बंसुरी को रख लेते, बोले राधे आज इतने क्यों मान किया, तो मान जा। लेकिन राधा रानी नहीं मानती है और लास्ट में कृष्णा जी के चरण में गिर जाते हैं, बोले तेरे चरण में अपना सर रख दिया, अब तो मान जा। गुरुदेव कहते थे, नारद जी कहते हैं, व्यास देव तुमने सब चीज लिखी कि नहीं, बोले लिखी नहीं, बोले शांति कहां से मिलेगी, तुमने ब्रज की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथाएं नहीं लिखे, तुमको शांति कैसे मिलेगी। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अवश्यम पुरुषम पूर्णं माया च तत् अपाश्रयम्। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, क्या देखा, कैसे जीव भगवान से विमुख हो करके कैसे जीव ये माया में जा रहे हैं और माया उसको जितने पर उसको पिटाई कर रहे हैं। लेकिन माया जितने पीट रहे हैं जीव को, लेकिन जीव का अनासक्ति नहीं, उसमें और भी ज्यादा आसक्ति, वो भी गाली दे रहे हैं, बेटा भी गाली दे रहे हैं, नाती भी गाली दे रहे हैं, घर का सबका गाली हमें सुनना पड़ता है, लेकिन सबका सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन गाली सबका सुन रहे हैं। अभी तो क्या विरक्ति हो रही संसार से, नहीं, संसार बेकार है और नहीं, जिंदगी भर इनकी सेवा करो और बदनाम सिवाय और कुछ है, और कुछ है संसार में। आप बताओ, अभी तक सभी की सेवा करते करते अभी तक आप संसार में किसको खुश कर पाए हो, बोलो, कोई किसको खुश कर पाए हो, कोई बताओ खुश कर पाए। इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि से यही चीज को देखा, जितने माया उसको पिटाई कर रहा है उतना और आसक्ति नाती पोती में और ज्यादा आसक्ति बढ़ते जा रही। इसलिए व्यास देव जी ने देखा, ऐसे जीव का कल्याण होने वाले नहीं, जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आए, भगवान की भक्ति नहीं करे, तब तक जीव को शांति नहीं मिले। तो उन्होंने क्या लिखे, बल्कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने, ये भागवत ग्रंथ को उन्होंने लिखे, तभी जाकर उनको शांति मिली। इसलिए आज हम ये गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं, आज का दिन श्री व्यास देव का आज जन्मतिथि है, आज व्यास देव का जन्मतिथि। अगर ये ग्रंथ नहीं बनाते वेद पुराण, फिर हम भगवान की भक्ति कैसे करते, भगवान की भजन कैसे करते हैं, फिर हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ते, बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास देव का चरण में हम ऋणी हैं, हम इनकी चरण में ऋणी हैं। इसलिए आज का दिन श्री व्यास देव का जन्म तिथि, इसलिए हम सबके सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है, आज तो श्री व्यास देव का जन्म तिथि, फिर हम अपने आप गुरु जी को क्यों पूजा कर रहे हैं। आज हमारे भारत में देखना, सभी अपना अपना गुरु जी को पास में जाकर के पूजा करते हैं। प्रश्न होता है, तो व्यास देव का भाई आज फिर गुरु जी की पूजा क्यों करते हैं। गुरु जी कहते थे, बोले व्यास मतलब होता है विस्तार करना, जिन्होंने सारे ग्रंथों को, वेद को, पुराण को उन्हें विस्तार किया। कहते हमारे गुरु जी क्या कर रहे हैं, बोले वही काम कर रहे हैं, उसी परंपरा में आकर के हमारे गुरु जी व्यास देव ने जो जो काम किया था, गुरु जी भी अभी कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा को दुनिया में विस्तार करते हैं। इसलिए हम भी अपना गुरु जी को सिर्फ व्यास कहते हैं, अपना गुरु जी को सिर्फ व्यास देव कहते हैं। इसलिए आज का दिन हर शिष्य अपना अपना गुरु जी की पूजा करते हैं, गुरु जी की पूजा करते हैं। तब श्री प्रभुपाद कहते हैं, बोले भैया व्यास पूजा का मतलब क्या है, कहते व्यास पूजा का मतलब क्या, एक माला लाओ, थोड़ी सी प्रणाम, एक कपड़ा लाओ, गुरु जी गला में पहना दो, क्या ये व्यास पूजा हो गया। प्रभुपाद कहते नहीं, इसको व्यास पूजा नहीं कहते, इसको तो करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, गुरु जी को पास में जब जाओ तीन चीज को लेकर के जानी चाहिए, कितने चीजों को, तीन चीज को। बोले तीन चीज क्या है, बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ते ज्ञानं
ज्ञानी न तत्व दर्शन। कृष्ण गीता में ये बात को कह रहे हैं, बोले तीन चीज क्या लेकर के जाए, बोले पहले जा करके तो गुरु जी की चरण में प्रणाम करो। क्या करो? गुरु जी की चरण में प्रणाम करो। बोले भैया प्रणाम का मतलब क्या? केवल सर झुका दिया प्रणाम हो गया? केवल सर झुका दिया प्रणाम हो गया? बोले नहीं, इसको प्रणाम नहीं कहते। प्रणाम मतलब होता है पूर्ण रूप में, नामा मतलब होता है सारे अहंकार अभिमान को त्याग करके क्या करो, गुरु जी के चरण में संपूर्ण रूप में गुरु जी के चरण में शरणागत हो। इसको कहते हैं प्रणाम, इसको कहते हैं प्रणाम। अपना तो अपना तो कुछ नहीं रहनी चाहिए है, इसको गुरु जी के चरण में शरणापन्न हो जाओ। इसलिए हमारे महाराज कहते थे भक्ति विदा में नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, इसलिए कहते जो शिष्य है ना, चार तरह के शिष्य है। कितने तरह के? कितने तरह के? चार तरह का। गुरु जी कहते थे बोले पहला नंबर शिष्य उत्तम सेवक है, दूसरे नंबर मध्यम है, सबसे छोटे कनिष्क, और उसका जो छोटे बोले अधम। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे बोले सबसे श्रेष्ठ शिष्य कौन है। बोले शिष्य मतलब होता है, शिष्य मतलब क्या है, शिष्य का कितना शिष्य है, बोले शिष्य का मतलब क्या है, केवल गुरुदेव से माला ले लिया, कान में मंत्र ले लिया, ये शिष्य हो गए? बोले नहीं। गुरुदेव कहते थे शिष्य मतलब होता है जब गुरु जी की शासन को जब स्वीकार करे, गुरु जी की शासन को जब स्वीकार करे, ऐसे नहीं जब थोड़ी सी कोई गलती करे, अगर गुरुदेव कुछ बोल दिया ना, बोले हम ऐसे तैसे हैं, हमने बहुत बड़ा काम करता था, हम बहुत बड़े घर के हैं, सब छोड़ छाड़ करके आपका चरण में इसलिए आए गाली सुनने के लिए? हम गाली सुनने के लिए बैठ में नहीं आए, हम तो जा रहा हूँ अपना घर में, जा रहा अपना बिस्तर बेड की बात है, अपना घर में चले गए। गुरुदेव कहते थे, इसलिए गुरुदेव कहते थे इसको शिष्य नहीं कहते हैं, शिष्य मतलब होता है जो गुरु जी की शासन को स्वीकार करे। इसलिए समझो गुरु जी जितने शासन करे उतना ही अपना कल्याण है, ये गुरुदेव कहते थे। गुरुदेव अगर हमारा महिमा गाते हैं, हमारा है गुरुदेव शिष्य का तो गाते हैं, लेकिन उसमें उतना हमारे लाभ नहीं, गुरुदेव कहते थे जितने हमें शासन करे समझना गुरु जी की उतना ही कृपा है, गुरु जी बात कहते थे। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे श्री जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी, इनकी उदाहरण गुरुदेव देते थे। महाप्रभु ने श्री सनातन प्रभु को बड़ी महिमा गाई, बोले सनातन कितने राज मंत्री पद को प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ करके वृंदावन में आए, और उन्होंने क्या बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि उनकी, अपूर्व तीक्ष्ण बुद्धि उनकी, इसलिए महाप्रभु करके कभी उनको प्रशंसा करते थे। लेकिन जगदानंद पंडित जो था, एक बार महाप्रभु इनको क्या किया, थोड़ी सी इनको शासन कर दी। जब शासन कर दिए, देखो सनातन गोस्वामी क्या कहते, हम क्या चाहते, गुरुदेव अगर हमारा प्रशंसा करे ना, बोले गुरुदेव कितना प्रेम करते हैं, और थोड़ी सी अगर कोई गलती कर दिया, शासन कर दिया ना, बस गुरुदेव को भी छोड़ने के लिए तैयार बैठ जाते हैं, गुरुदेव को भी छोड़ने के लिए, बोले हमें गुरु जी शासन किए। गुरु जी कहते थे, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते बोले प्रभु महाप्रभु को, बोले आप तो श्री जगदानंद पंडित को आप तो मीठी मीठी आप प्याला पिलाते हो, अमृत तो पिलाते हो, और हमें क्या कर रहे हो, हमें नीम का जूस पिला रहे हो। वो कहते हैं बोले आप तो मेरी बड़ी प्रशंसा करते हो, ये प्रशंसा ठीक नहीं, आप जगदानंद पंडित जो शासन करते हो ये ठीक है। आप बताओ पिता माता किसको शासन करते हैं, बाहर किसी बच्चे को शासन करते हैं? वो अपना बच्चे को ही शासन करेंगे, क्यों? वो जानते हैं ये बच्चा मेरा है, ये बेटा बेटी मेरे हैं, जिसको अपना पैर है ना उसको वो शासन करते हैं, सबको शासन नहीं करते हैं। इसलिए जब गुरुदेव हमें शासन करे समझना, गुरु जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, हमारी गलती को दिखा रहे, हमारी गलती को गुरुदेव दिखा रहे, गलती दिखाना सही है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे चार तरह का सेवक, कितने तरह का? पहला नंबर उत्तम, बोले उत्तम सेवक कैसे हैं, बोले जो कि इनकी इच्छाओं को जान करके जो सेवा करें,
गुरु जी की इच्छा जान कर के जो सेवा करिए, बल्कि एक कल में बता रहा था, उदाहरण दे रहे थे, जैसे तुम्हारी पति कहीं ठंडा का समय कहीं बाहर जा रही किसी काम के लिए, पत्नी ने कहा देखो आप दूर में जा रहे हो सकता है अभी ठंडा है, ये एक सल साथ में ले लो और थोड़ा टिफिन में खाना ले लो, पता नहीं भूख लगेगा तो खाना पीना मिलेगा कि नहीं खा लेना। पति कहता नहीं जरूरत नहीं यार, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा काम करेंगे। लेकिन मना करने पर भी पत्नी ने क्या की, एक टिफिन में बड़े सुंदर खाना बना करके पैकिंग करके दे दिया और सुंदर एक साल है एक खाली में भर करके दे दिया, बोले इसको ले जा। लेकिन पति मना करता है, लेकिन ये चोर जबरदस्ती दे दिया। आप बताओ पति खुश होगा ना नाराज होगा? बोलो पति खुश होगा ना नाराज होगा? बोलो जोर से बोलो। हाँ बोलेगा देखो मेरी बीवी कितने प्यार करती है, पत्नी मेरे को कितने प्रेम करती है, नहीं चाहने पर भी वो क्या कर रही है, मेरे लिए सुंदर खाना और साल दे दिया है। गुरुदेव कहते थे यदि ये उत्तम सेवक है जो गुरु जी की जिसमें अच्छा हो, गुरु जी की उनकी भावना को समझते हुए जो करे उत्तम सेवक। भले मध्यम सेवक कौन है? गुरु जी कहते थे बोलने से पहले जो कर ले उसको कहते हैं मध्यम सेवक। कहते कनिष्ठ सेवक कौन है? सबसे छोटे। बोले बोलने पर गुरु जी की आज्ञा को मान करके जो करे वो कौन है? कनिष्ठ सेवक। बोले सबसे छोटा अधम सेवक कौन है? गुरुदेव बोलने पर भी जो नहीं करे, गुरुदेव कहते थे सेवक। पर सेवक से को हटा लो क्या रह जाएगा? रह जाएगा बक। बक मतलब होता है बगुला सेवक। वो सेवक है नहीं, वो कौन है? बोले वो बगुला सेवक है। बगुला जानते हो? वो एक प्यार में खड़ा रहता है, वो जैसे मुन्नी जैसे खड़ा रहता है। लेकिन क्यों एक प्यार में खड़ा रहता है? मछली को पता नहीं चल, और मछली आते ना छठ पकड़ ले, वो कपट है, वो कपट है, गुरुदेव कहते थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कभी कभी हम ये सोचते हैं गुरु भूर का कोई जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट भगवान के भजन करके खुश कर ले। बोले नहीं, डायरेक्ट खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनो गुरु भवन थी तरई न कोई जो बिरिची शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर जैसे भी बन जाए लेकिन जब तक श्री गुरु जी की कृपा नहीं हो कहते भवसार उत्तर नहीं सकते। पहले हमारी भगवान में प्रीति नहीं होगी। गुरुदेव ये बात को बारंबार गुरुदेव कहते थे पहले गुरु जी का प्रति पहला प्रेम होनी चाहिए। क्योंकि श्रीला बामन गोस्वामी महाराज कहते थे हमने महाप्रभु को देखा ही नहीं, हमने षड् गोस्वामी को नहीं देखा है, हमने पंच तत्व को नहीं देखा है, हमने किसको देखे हैं? हमने अपना गुरु जी को हमने देखा। किसको देखे? अपना गुरु जी को देखा। गुरु जी कहते हैं भगवान है इसलिए हम मान रहे हैं। लेकिन अभी हमें कोई भगवान को देखा है? कोई देखे हो भगवान को? नहीं। इसलिए वो कहते थे अगर हमारे ऊपर में गुरु जी अगर संतुष्ट हो गए हमारी सेवा से, अगर इसके एक समय भक्ति प्रज्ञा ने कैसे गोस्वामी महाराज प्रश्न किया, बोले भक्ति का डेफिनेशन किया है, भगवान कैसे सबसे जल्दी प्रसन्न होएंगे, भक्ति कैसे? तब उन्होंने एक एक भक्तों को उन्होंने खड़े किए, सब भक्तों ने अलग अलग भक्ति का व्याख्या की। लेकिन जब श्री बामन गोस्वामी महाराज को खड़े किए देखो वो क्या कहते हैं। बामन गोस्वामी महाराज कहते हमने भगवान भगवान नहीं जानता, हमने भगवान को देखा ही नहीं, हमने तो सामने रूप में गुरु जी को देखा। किसको देखा? हमने सिर्फ गुरु जी को देखा। अगर हमारी सेवा में गुरु जी अगर संतुष्ट हो गए तो अरे हम समझ जाएंगे ठाकुर जी अपने आप खुश हो गए, ठाकुर जी हमारे ऊपर में अपने आप खुश हो गए। अगर गुरु जी को खुश नहीं कर पाए सारा दुनिया भटक रहे, सारा दुनिया घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे उधर भाग रहे, लेकिन गुरु जी के प्रति प्रेम तुम्हारी नहीं, गुरु जी की सेवा में तुम्हारी कोई रुचि नहीं। कहते भक्ति अभी तो जीरो है, तुम्हारी भक्ति अभी सही नहीं। पहले संबंध भगवान से मत जोड़ो,
पहले संबंध किसको साथ में जुड़ो, पहले संबंध अपना गुरु जी को साथ में सबसे पहले संबंध जोड़ो हैं। गुरु अगर हमारे ऊपर में संतुष्ट हो गए समझना, फिर भगवान तो अपने आप हमारे ऊपर में खुश हो जाएंगे। इसलिए आज श्री गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मूल गुरु कौन है, श्री व्यास देव हमारे श्री मूल गुरु है, हैं हमारे गुरुदेव भी उसी परंपरा में, श्री गुरुदेव भी उसी परंपरा में आए हैं। इसलिए आज का दिन हमारा भारत में हर शिष्य अपना गुरु जी की पूजा करने के लिए, हर शिष्य गुरु जी की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसलिए आज यहाँ पर हमारे कुछ कुछ गुरुदेव का शिष्य लोग हैं, हम उनको बोलेंगे सब भक्त लोग पांच ज्यादा से पहले सबके सब पांच पांच मिनट गुरु तत्व के ऊपर में, गुरु जी के ऊपर पांच पांच मिनट बोलेंगे। हमारे सबसे पहले श्री अनिरुद्ध प्रभु जी, ये गुरु जी की बहुत पुराना शिष्य है, गुरुदेव का बहुत इन्होंने सेवा किया गुरुदेव की, और बड़े सुंदर भजन गाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी नोएडा में रहते हैं, अभी तक कहाँ चले, गुड़गांव चले गए, आइए इन्होंने बहुत उन्होंने गुरु जी की सेवा किए। अभी प्रभु जी थोड़ी सी जब गुरु जी के बारे में कुछ बताना, गुरु तत्व के बारे में मतलब है गुरु जी के चरण में पुष्पांजलि देना। और रामकुमार, और रामकुमार जी प्रभु खड़े हुए, प्रभु जी राम कुमार को बुला दो, श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षिण अवतार माधुर गुणेशम परम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वं शिरसाधनम् पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यता गुरुदेव ओम विश्वपाद अश्वत्थ श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। आप लोग ना थोड़ी थोड़ी आगे सर का थोड़ी थोड़ी आप लोग एक एक माता ही दो दो माताओं का जाया अलग अलग, इसलिए थोड़ी सी सर कट गया, फिर से आगे आ जाओ एकदम सटर करके बैठ जाओ। हाँ एक 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 का जाएगा थोड़ी सा फिर कर जाओ। भाई लोग भी थोड़ी थोड़ी आगे, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आज इतने सारे लोग, अब इतना बारिश होते हुए बारिश में भी मैं तो सोच रहा था सर आज कोई आ ही नहीं, सारा रात भर बारिश हुई ना, रात भर बारिश हुई, आज सवेर भी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आज सब तक कोई आएगा नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतना कष्ट से भी यहाँ पर आए हो, इसलिए आप लोगों के लिए जोर डाल ले गया बारिश एक शुभ संकेत माना जाता है, बोलते हैं कृपा की बारिश हो रही है, तो बारिश तो एक अच्छी चीज मानी जाती है। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा संग है जो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है इतने सारे लोगों को देखकर। साधारणतया देखा जाता है कि लोग गुरु को ढूंढते हैं तो किस कारण से ढूंढते हैं, साधारणतया ढूंढते हैं दुखों से छुटकारा पाने के, कोई दुख होगा उससे छुटकारा पाने के लिए ढूंढेंगे, भाई कौन बाबा कौन गुरु कौन पंडित कौन मजार कौन सूफी, कहाँ से जाके हमें दुखों से छुटकारा मिलेगा। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे गुरु अपनी दुकान लेकर बैठे हुए हैं और उनके पास जाते हैं तो वो लोग हमारे दुखों का जो निवारण करते हैं वो छोटी मोटी चीज़ों से, जिससे संसार के जो साधारणता है दुख है जो अभी आ रहे हैं उनसे छुटकारा दिलाने का, कि गोलगप्पे खा लो, पर्स में ये रख लो, मेरे साथ डांस कर लो, इस तरह के काम करके जो है लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाने का प्रयास करते हैं।
तो ये दुख क्या होते हैं? आपात जो दुख होते हैं, अभी के दुख हैं, उनको छुटकारा दिलाने का ऐसा प्रयास करेंगे। लेकिन जो सदगुरु होते हैं, यहाँ पर समझिएगा एक डिफरेंस होता है गुरु और सदगुरु में। शिव जी बताते हैं, पार्वती जी को बोल रहे हैं, गुरुवे बहुव संति शिष्य विताप हार का गुरुवे सदगुरु देवी शिष्य संताप हार। अब ये कलयुग में क्या होगा इसका शिव जी बता रहे पार्वती जी को कि कलयुग में जो गुरु होंगे बहुत सारे होंगे, कभी नहीं होगी। जबकि होना उल्टा चाहिए था कि कलयुग में जैसे सतयुग में बहुत संत होते हैं, कलयुग में धीरे धीरे कम हो जाने चाहिए। लेकिन उल्टा वो बोल रहा है कलयुग में बहुत सारे गुरु होंगे। लेकिन कैसे गुरु होंगे? गुरु ऐसे होंगे जो शिष्य के वित्त का अपहरण करेंगे, यानी जो भी उनके पास आएगा उनके धन को ले लेंगे। लेकिन ऐसे सदगुरु दुर्लभ होंगे कलयुग में, सुदुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ होंगे, जो शिष्य के दुखों का हरण करें। अब दुखों का हरण कैसे होगा? अभी कुछ समय पहले, पिछले महीने काफी गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्मी थी। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी और 40-45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ पर एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक व्यक्ति ने पानी का एक पाइप लेके और वो सड़क पर से जो भी गुजर रहा था वो उनको पानी मार रहा था। तो लोग बड़े आराम से आके वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकते, उससे पानी मरवाते अपने चेहरे पर और आगे निकल जाते। यानी गर्मी लग रही है तो गर्मी का तुरंत जो दुख का निवारण है वो है पानी डाल दो। तो किसी व्यक्ति ने पानी डाल दिया और हम प्रसन्न हो गए। आगे चले, आधे घंटे बाद पानी सूख गया, फिर क्या होगा? फिर से वही दुख। तो ये जो गुरु होते हैं कलयुग के, वो शिष्य के धन का अपहरण करके उनको कुछ समय के लिए कोई उपाय बता के उनको दुख का निवारण करने का बोलते हैं। लेकिन अब ये गर्मी लग रही है तो गर्मी से अगर पूरी तरह से छुटकारा पाना हो तो क्या करना होगा? पूरी तरह से छुटकारा पाना हो तो क्या करना होगा? ऐसा करना होगा कि ठंडी जगह पर जाना होगा। तो जैसे आप जर्मनी चलेंगे, वहां पर ठंडा मौसम रहता है, तो वहां पर जाने पर कोई आपको ये गर्मी वाला दुख नहीं होगा। ऐसे ही जो सदगुरु होते हैं वो संसार के जो हमारे दुख हैं इन दुखों का निवारण करते हैं, हमें ऐसी जगह ले जाकर जहां पर कोई दुखी नहीं। अब संसार में हर व्यक्ति दुखी है, छोटा बड़ा, छोटा दुख बड़ा दुख, सब दुखी हैं। केवल एक जगह ऐसी है जहां पर कोई दुख नहीं है, वो है भगवान का धाम, उसे बोलते हैं वैकुंठ। वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है, वहां पर कोई दुख नहीं है। तो अगर हम वहां पर चले जाए तो वहां पर जब दुख है ही नहीं, हमें कोई दुख हो गए न, सर्दी न गर्मी न बरसात न कुछ, कोई शरीर का दुख नहीं, मन का दुख नहीं, किसी और जीव के द्वारा सताए जाने का दुख नहीं, वहां पर केवल सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है भगवान के साथ। ऐसी जगह पर ले जाने में जो हमको तैयार करते हैं वो होते हैं सदगुरु। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत लोग गुरु ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे गुरु के पास न जाएं जो हमारे धन का अपहरण करके हमको बर्बाद करें, बल्कि ऐसे गुरु के पास जाएं जो हमको भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमको शिक्षा दे कि कैसे भगवान की सेवा होती है, कैसे हमको ऐसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि हम तैयार हों, हमारी योग्यता मिले ताकि हमें भगवान के धाम में प्रवेश हो। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? ये काम सदगुरु। सदगुरु कौन से होते हैं? सदगुरु किसी न किसी परंपरा से होते हैं। वो परंपरा क्या होती है? परंपरा होती है अगर हम भगवान के धाम में जाना है तो भगवान के धाम के क्या नियम है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या आनंद देता है, भगवान हमको क्यों अपने धाम में लेंगे, ये जानकारी भगवान स्वयं ही दे सकते हैं। भाई मेरे को क्या अच्छा लगता है मैं ही बता सकता हूँ ना, भगवान को क्या अच्छा लगता है भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन भगवान अपने किसी शिष्य को बताते हैं, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को बताया। ऐसे करके ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान की सेवा कैसे होती है,
कि भगवान स्वयं बताते हैं, लेकिन हमको पता लगता है गुरुदेव के द्वारा। लेकिन गुरुदेव के द्वारा तभी पता लगेगा जब गुरुदेव करते करते वो भगवान से उनका सीधा संबंध हो। जो कहीं से ऐसे ही खड़े होके एक दिन गुरु बन जाते हैं, उनको ये सब नहीं पता होता कि भगवान क्या अच्छा लगता है। तो भगवान को जो अच्छा लगता है वो बताते हैं हमें सदगुरु, जो कि एक परंपरा के द्वारा हमारे साथ हमको शिक्षा देते हैं। ऐसे ही परंपरा में वैष्णव चार संप्रदाय हैं। उन चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय में हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद शुद्ध श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आए हैं। हमने उनका साथ किया, उन्होंने हमको हरि गुरु वैष्णवों की सेवा कैसे होती है ये बताया। अब हमारे सामने हमारे साथ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी हैं। यह भी हमको हरि गुरु वैष्णवों की सेवा कैसे होती है और गेट यह बताते हैं। खाली कर वो गेट का मुंह में कोई मत बैठा दो, गेट का पास में कोई मत बैठा दो, तो थोड़ा जगह दे दो ताकि लोग अंदर निकल जाए, थोड़ा गेट पर ही पास खड़े हो जाए। तो हमारे सौभाग्य है कि आज हमें ऐसे संत के साथ गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर मिल रहा है। ऐसे समय में मैं अपने गुरुदेव से वैष्णव जन से ही प्रार्थना करूँगा कि मुझे किसी न किसी जन्म में मुझे हरि गुरु वैष्णवों की सेवा कैसे होती है ये समझना मेरी बुद्धि में आए। तो अच्छा श्री राम कुमार प्रभु जी, देखो गड़ी गड़ी के भक्त लोग बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने गुरु पूर्णिमा हमारे जितने बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन ये गड़ी के भक्त लोगों ने जैसे पिछले साल से गुरु पूर्णिमा ये लोग कहीं पर मना रहे हैं। ये लोग जैसे भागवत कथा को बड़े बढ़ा चढ़ा करके बहुत अच्छे तरह से गड़ी के भक्त लोगों ने बहुत अच्छे तरह से किया है। और इस बार भी उन्होंने गुरु पूर्णिमा भी उन्होंने गली में भी सारे भक्तों को निमंत्रण दे करके बोले जो कुछ खर्चा होगा हम लोग वहन करेंगे और अच्छे तरह से ही गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। इसलिए उधर बड़े सुंदर पैंडल बनाने का था, लेकिन ये बारिश हो गया तो इसी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। लेकिन सोच रहे बढ़िया पैंडल बनाएंगे और बड़े बढ़ा चढ़ा करके हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। इसलिए ये भक्त लोग सब मिल करके बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। जैसे राम कुमार प्रभु जी प्रभु जी मैंने बैठा था ना, जो आ रहे हैं बोले पीछे जाकर बैठो। पीछे पीछे कौन बैठा था? पीछे पीछे मैंने उसको बैठाया था ना पीछे, वो गए कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमाराय गोविंदाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु परमहंस पद नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवतन अर्पित करता हूँ तथा उनकी आहुति की कृपा की कामना की वंचना करता हूँ। तत्पश्चात व्यासपीठ धारी हमारे चाचा गुरु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत करता हूँ तथा उनकी आहुति कृपा की कामना की वंचना। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी भक्तगणों के यथायोग्य चरणों में प्रणाम। आज व्यास पूजा हमारा सौभाग्य है कि पिछले दो साल से महाराज जी की कृपा है हम पे कि हमें यहाँ आज्ञा मिली हुई है महाराज से मिलान व्यास पूजा उत्सव मनाने की। ये महाराज जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, इसके लिए मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और सभी और आप यहाँ जो उपस्थित हुए हैं आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बारिश बहुत है फिर भी इसमें आप लोग यहाँ। जो मैंने भक्तों से सुना है अपने गुरुओं से सुना है उसमें ये बताया गया है कि गुरु बनाने के लिए शास्त्रों में चार प्रमाण बताए गए हैं। गुरु पहला है वो सन्यासी होना चाहिए, दूसरा है वो सभी शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, तीसरा है वो गुरु परंपरा से होना चाहिए, चौथा है वो विरक्त होना चाहिए और कृष्ण अनुभूति कराने वाला होना चाहिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने गौड़े मठ से जुड़े जिसमें ये चारों गुण पूर्णतः विद्यमान है और हमारे जितने भी आचार्य हैं जितने भी गुरुवर हैं इन चारों गुणों में पूर्ण है, ये हमारी बड़ी कृपा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप वैष्णव और गुरुओं का आश्रय करेंगे तो आपको भक्ति तुरंत मिल जाएगी, ये हमारे गौड़िया मठ की एक विशेषता है। इसके साथ मैं ये कहूंगा कि हमारे जो आज का प्रोग्राम है इसमें जो हमारे सहयोगी रहे हैं उसमें हमारे बिरजू भाई, महेंद्र भाई साहब, विनोद प्रभु, संजय प्रभु, जीत प्रभु और अतन प्रभु हैं, शिवा प्रभु हैं, मनोज है, धन सिंह है, समय भाई हैं, बहुत से लोगों ने हमारा सहयोग किया है। विनोद प्रभु पीछे बैठे हैं, मैं बोल गया आगे और हमारे कुसुम दीदी है और दीदियां हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। देखो आज हम लोग श्री व्यास पूजा मना रहे हैं। यदि ये व्यास पूजा का मतलब क्या होता है तब श्री प्रभुपाद इसी विषय पर कहते हैं, जैसे आज का दिन हम बता रहे थे ना गुरु जी को पास में जाने के लिए तीन चीज की जरूरत है। पहला चीज क्या है, तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया, तीन चीज को लेकर के हम गुरु जी के पास में जानी चाहिए। पहला चीज है प्रणिपात, मतलब संपूर्ण रूप में शरणागत होकर के सारे अहंकार को त्याग करके जानी चाहिए। बोले दूसरी चीज क्या है, बोले सेवा की भावना होनी चाहिए। और जो तीसरा चीज क्या होनी चाहिए, खैर उनको प्रश्न करो खैर तो वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तीन चीज को लेकर के जानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये व्यास पूजा का मतलब क्या है, क्या जैसे फूल की माला लिए, कुछ प्रणाम लिए, कुछ फल लिए, गुरु जी के चरण में दिया, हाँ ये व्यवहार की वस्तु देनी चाहिए। लेकिन असली व्यास पूजा का तात्पर्य क्या है, भले गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं, गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं, भले गुरु जी हमें एक चीज हमसे चाहते हैं, ये गुरु जी है कौन और ये गुरु जी आते हैं कहाँ। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार त्राणाय प्राप्त कल्याण पुनर्नवास वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तब श्री वो कहते हैं गुरुदेव कौन है, बोले भगवान का कृपा, हम सबके सब भगवान की संतान है लेकिन ये भगवान को अनादि काल से भूलने का वजह से ये संसार में आकर के सबके सब दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। इसके ही संसार को बताया दावानल, क्या बताया दावानल किसको कहते हैं, जब जंगल में आग लग जाए, साधारण जगह पर आग लगे आप फायर ब्रिगेड से उसको बुझा सकते हो लेकिन अगर जंगल में आग लग जाए तो फिर तो वो सहज में बुझने वाले नहीं। फिर उसी तरह हम भी संसार में धन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, पत्नी से दुखी, तरह तरह का दुख कष्ट संसार में से भोग कर रहे। इसलिए भगवान हम सबके सब भगवान की संतान है
जब भगवान चाहते हैं मेरे संतान मेरे को भूल करके संसार में दुख कष्ट वो कर रहे हैं, ये जीव मेरे पास में कैसे आए, तो उसी समय भगवान की जो कृपा, भगवान बड़े करुणा है बड़े दयालु, कहते उनको कृपा और दयालुता जब एक रूप धारण करते हुए इसी संसार में आते हैं, कहते ये कौन है, बोले श्री गुरुदेव, ये श्री गुरुदेव रूप में जगत में आते हैं और आकर के क्या करते हैं, हमें उपदेश को द्वारा ज्ञान को देकर के हमें अपना घर में ले जाते हैं, अपना पास में ले जाते हैं। कभी ये गुरु जी का यही काम है, इसलिए गुरु जी तभी प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कोई निष्कपट रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तब गुरु जी सबसे ज्यादा उसमें ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए जिस समय नारद जी की कृपा से श्री ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करते हुए जब वैकुंठ से रथ आया, रथ में बैठ करके जब वैकुंठ जा रहे थे, नारद जी तो खुश होकर के बिना बजा बजा करके नाच नाच करके कीर्तन कर रहे थे। बोले क्यों, बोले आज मेरी कृपा से एक जीव ये भवबंधन से मुक्त होकर के भगवान का धाम में जा रहा, इसलिए वो खुश हो रहे थे। इसलिए तभी गुरुदेव प्रसन्न होते हैं जब जीव शुद्ध रूप में भक्ति करते हुए भगवान को पास में चले जाते। इसलिए व्यास पूजा मतलब है गुरु जी के चरण में सारे अहंकार अभिमान को त्याग दे करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो, शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 जोर करके बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञान किमरां धाशे ज्ञानेंजने शालक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवकाचार्य श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और अपने हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं श्रीधर महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, अपने हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णव वैष्णवों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और अपने हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज महाराज जी की आज्ञा से मुझे कुछ बोलने के लिए उन्होंने बोलने के लिए कुछ कहा है। खैर मेरा कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि मेरा जीवन कैसे बदला उसके बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। मैं इस धारा में कैसे आया, सतगुरु कौन होते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। बस मेरा अपना एक हेल्थ क्लब है जिसमें मैं बच्चों को एक्सरसाइज करवाया करता था, उसमें ही एक शिष्य गुरु जी का शिष्य मेरे जिम में आया करता था, तो वो मुझसे बोला करता था गुरुदेव गुरु जी तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहाँ चलना है, कह रहे हमारे मठ चलो। मैंने कहा यार मठ वठ मुझे कहीं नहीं जाना, कहाँ ले जा रहा है मुझे, साधु वाधु के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। तो वो बेचारा आता रहा, मुझसे कहता रहा गुरु जी आप एक बार चलो तो सही, एक बार चलो तो सही। मैंने यार कहाँ चक्करों में पड़ा रहा है मुझे तब मैं अपना एक्सरसाइज करता था और मैं बिल्कुल ही मांसाहारी था, रोज के अंडे मीट सब कुछ खाया करता था। तो एक दिन वो मुझे संडे को जन्माष्टमी पड़ गई, उसने कहा गुरुजी मैंने आपकी ना टिकट बुक करा दी है और आपको मथुरा चलना है। अब मैंने कहा संडे है दिन भी नहीं कटेगा, तो मैंने चलो आज इसने टिकट भी बुक करा दी है, ये सोचेगा मैं गुरुजी से बार बार कह रहा हूँ गुरुजी ज़्यादा भाव खा रहे हैं तो मेरे साथ चल नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा संडे भी दिन व्यतीत हो जाएगा और अपना दिन भी कट जाएगा। मैंने कहा भाई चलो चलते हैं, टिकट उसने बुक करा ली निजामुद्दीन स्टेशन से, उन्होंने ट्रेन पकड़ी सुबह 7 बजे की, चल पड़े हम। कहता गुरुजी फास्ट रख लेना। अबे मैंने कहा भाई ये क्या करवा रहा है, मैं 9-10 बजे तक 3 बार खाने वाला और तू मुझे कह रहा फास्ट रख वाले, मैं दिन में पता नहीं 50 बार खाता होगा मैं। तो मैंने कहा चलो जैसे सब जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं मैंने भी रख लिया। अच्छा वो देखो कितना चंचल, मेरा तो फास्ट रखवा दिया और खुद वहां पे जितने भंडारे होते सब खा रहा था।
मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, लेकिन एक अंदर से दृढ़ संकल्प था कि आज फास्ट रखा है तो रखूंगा। मैं ट्रेन में बैठा, आधे घंटे चला, मेरा सर भूख से फटने लगा, सर दर्द करने लग गया। मैंने उसे कहा भाई ऐसा है मेरा तो सर दर्द हो रहा है, क्या बस गुरु जी अब पहुंचने वाले हैं मथुरा, क्योंकि गुरुदेव जन्माष्टमी पे मथुरा जी मथुरा में ही मनाते थे। तो मैंने कहा अच्छा, और धूप पड़ रही थी खूब, अच्छा खुद तो सब कुछ खा रहे, मुझसे कह रहे फास्ट रख लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और मेरे सामने ही खा रहे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने उनसे कहा कि जैसे ही ट्रेन से उतरे, मैंने कहा भाई यहाँ से दूसरी ट्रेन वापस घर कब जाएगी, मैं वहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना तेरे मठ पर, मुझे तो भूख लग रही है और मेरा सर फट रहा है भूख के कारण। कह रहे नहीं गुरु जी यहाँ से बस थोड़ा सा दूर मठ पास है, अभी चलते हैं पैदल। मैंने कहा पैदल, मैंने और मरवा दे तू मेरे को। तो मैं उसको रास्ते पर उनको मतलब गाली ही देता रहा, यार कहाँ जाकर फंस गया मैं इनके चक्करों में, कहाँ फंस गया। तो जाते जाते मुझे उन्होंने अपने केशव जी गौड़िया मठ में, कह रहे गुरु जी मैंने सोचा चलो मठ में पहुंच के रूम मिल जाएगा, सामान रखेंगे थोड़ा आराम करेंगे। मुझे क्या पता था गुरुदेव वहीं थे और सारे वैष्णवगण सब वहीं पहुंचे हुए थे, मठ में पांव रखने की जगह नहीं थी। अब वो तो बेचारे आते जाते थे, उन्होंने तो बैग डाला और घूमने निकल पड़े। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, अरे गुरु जी मथुरा के दर्शन कर लेते हैं, गिरिराज जी के दर्शन वहां करेंगे और विश्राम घाट चलेंगे। मैंने कमरा गया भाई आराम करने दो मुझे। तो कह रहे नहीं गुरु जी चलते हैं, तो द्वारकाधीश दर्शन करें विश्राम घाट, फिर टाइम में कह रहे गुरु जी समुना जी स्नान करेंगे। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा तरीका है, गर्मी भी पड़ रही है, कहीं आराम भी नहीं मिल रहा, जमुना जी चलो। मैंने कहा चलो स्नान करेंगे, विश्राम घाट में मैंने स्नान किया। अब मैंने मुझे पता मैं जमुना जी से निकलूंगा ही नहीं, 12 बजे का टाइम था, 2 बजे हम पहुंचे। क्या गुरु जी चले नहा लिए, मैंने चुप रहो नहाते रहो चुपचाप, ना मठ में आराम की जगह ना पूछे कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। और वहां पे जगह जगह भंडारे, समोसे कचौड़ी सब वो खा रहे और मुझसे कह रहे गुरु जी फास्ट रख लेना। मैंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे तैसे दिन कटा, मठ में आए, शाम को गुरुदेव आए, गुरुदेव आए और उन्होंने प्रवचन करे शाम को 5:30-6 बजे करीब। तो मैं भी वही बैठा हुआ था, क्या गुरु जी प्रवचन कर रहे, मैं चलो मैंने चलो भाई बैठते हैं। मैं बैठा वहाँ पे गुरु जी के प्रवचन सुने, प्रवचन सुनने से बिल्कुल एकदम हृदय पवित्र हो गया मेरा। जहाँ मेरा गुस्सा इतना भर रहा था कि बस ये घर पहुंचे तो मैं इनको बताऊंगा, कल जिम में आएंगे ना तो इनको और बताऊंगा मैं, क्योंकि अच्छी एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं, जैसे इन्होंने मुझे तड़पाया मैं इनको भी तड़पाऊंगा। तो गुरु जी जब प्रवचन बोले तो मेरा हृदय एकदम एकदम पवित्र हो गया, समझ लो मेरा सारा क्रोध सब शांत हो गया। जब गुरु जी ने प्रवचन करके हटे तो उन्होंने कहा गुरु जी के चरण स्पर्श कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ चलो गुरु जी के चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो जब मैं गुरु जी के पास गया और मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श करे, पहली बार मैंने साधु संतों के चरण स्पर्श करे थे तब, तो मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श करे तो उन्होंने कहा गुरु जी ये मेरे जिम के कोच हैं और ये आपसे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श करे और गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और वो नीली नीली आंखें मुझे आज भी याद है। जब गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा वो पहल, उस दिन से ही पता नहीं जीवन में क्या हुआ और वही दिन से मैं मेरा जीवन इतना बदल गया, जहां मैं इतना मान समझता था उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नित्य तो चाय कॉफी और क्या क्या था मैं खाता था, तो लेकिन आज मुझे वो एहसास होता है कि उस लड़के का जिम में जो मेरा आता था मुझे ले गया, पता नहीं मेरी क्या सुपुर्ति होगी क्या कुछ होगा, जो मैं गुरुदेव से मिला तो बड़ा मैं आज बड़ा महसूस करता हूँ। अगर गुरुदेव नहीं मिलते तो आज मैं बहुत ही कुछ और ही होता, क्योंकि बिगड़ने के लिए क्या चाहिए, जेब में पैसा शरीर में जान और घूमने के लिए गाड़ी, ये तीनों चीजें थी मेरे पास। तो मैं सैटरडे संडे डिस्को भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, लेकिन उस टाइम पे गुरुदेव मिले जहाँ हमारी बिगड़ने की स्थिति थी, मैं आज बड़ा उसका बड़ा आभारी समझता हूँ और गुरुदेव की बड़ी कृपा समझता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे अपने शरण में लिया। और आज मैं बड़ा अपने आप को बड़ा क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता मैं क्या सकता। तो गुरुदेव की उस दिन से मैंने जब चरण स्पर्श करे मेरा जीवन बदल गया। उसी दिन से मैंने अंडे मीट मछली सब कुछ त्याग दिया। गुरुदेव ने फिर जनकपुरी मठ आए हुए थे तो उन्होंने कहा उसी लड़के ने गुरुदेव आए हुए जनकपुरी, मैंने कहा मुझे अभी जाना है और अभी हरि नाम लेना है। मैं अपने जिम को छोड़ के तुरंत जनकपुरी मठ पहुंचा और गुरुदेव से हरि नाम लिया मैंने। और मैंने हरि नाम लेके तो जब मैंने पहली बार हरि नाम किया तो मुझे बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया।
थोड़े ही दिन हरिनाम करने के बाद मेरे हृदय में जब मैं मठ में जाया करता था लोग अंदर हाथ डाल के पता नहीं ऐसे कुछ करा करते थे, मैंने कहा यार ये क्या करते हैं। तो मुझे किसी ने बताया ये भगवान को प्राप्त करने के मंत्र होते हैं। मैंने कहा है मुझे ये चाहिए। मैंने कहा यार ये मंत्र मुझे कहाँ से मिलेंगे। मैंने कहा गुरु जी तुम्हें ना दीक्षा लेनी पड़ेगी, शिखा रखनी पड़ेगी और मुंडन करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो मेरा शौक है यार, तो मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा तो मुझे शिवा प्रभु मिले। मैंने कहा शिवा प्रभु मुझे दीक्षा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। नवदीप परिक्रमा चल रही थी तब मैंने फिर वहां जाके नवदीप में दीक्षा ली। एकादशी का दिन था तो मैं कह रहा था अब परिक्रमा में जाऊँ कि गुरु महाराज जी ने कहा कि एकादशी वाले दिन हम दीक्षा देंगे, तो मैं शिवा प्रभु जी मैं परिक्रमा में जाऊँ कि मैं दीक्षा लूँ। तो गुरु जी ने कहा शिवा प्रभु ने नहीं दीक्षा ही लेनी है पहले। तो मैंने कहा हाँ मुझे पहले दीक्षा ही चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें मुंडन कराना पड़ेगा। मैं रात को जाके मुंडन कराया और बड़ी सी अच्छी सी सुंदर सी शिखा रखी मैंने, जो बड़ा आनंद आया। और मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली और बड़ा ही आनंद आया। लेकिन मैं गुरुदेव के सामने तो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि हमारे पास कोई हम ग्रंथ पढ़ते ही नहीं थे कि हम प्रश्न क्या करेंगे। लेकिन गुरुदेव के दर्शन किया करता था मैं। लेकिन आज वो महसूस होता है, देखो श्रीधर महाराज जी ने जिन जिनको हरिनाम दिया है गुरुदेव खुद चलकर आए हैं आज यहाँ पर, है ना, आपको दीक्षा देने। और हम गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा के लिए हम मथुरा जाया करते थे, वृंदावन में आनंदवन में वो मनाया करते थे गुरु पूर्णिमा, तो हम वहाँ जाया करते थे। देखो गुरु जो जिनके गुरुदेव हैं गुरुदेव आप यहाँ चल के आए हैं। आप अभी इस महिमा को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जिस दिन इस महिमा को समझ पाओगे ना भगवान मिलेंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। इस गुरु परंपरा में अगर किसी ने गलती से भी किसी के कहने से भी हरि नाम ले लिया ना गुरुदेव, आज मेरी गारंटी है कि वो भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। देर से भी आए चाहे कैसे भी आए गुरुदेव मिलेंगे और भगवान भी मिलेंगे और भगवान हम लोग मिलेंगे ही रहेंगे। ध्यान रखना ये बड़ी वैष्णवों की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर और हमारा पता नहीं क्या सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु वैष्णव मिले। नहीं तो कितने गुरु घूम रहे थे, मैं भक्त गुरु के पास भी गया लेकिन मेरा कभी हृदय नहीं माना वहां पर। लेकिन कैसे हम इस धारा में जुड़ गए मुझे नहीं पता ना, हमारा ऐसा कोई सामर्थ था कि हम ऐसे वैष्णवों की संगत पा पाएंगे या उनका संग पा पाएंगे। लेकिन ये आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा ना समझे कि हाँ गुरु जी आए हैं गुरु पूर्णिमा के फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। नहीं नहीं ये आसान ना समझना, गुरुदेव के पास आना और ऐसे गुरुओं को ग्रहण करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को मतलब बहुत मतलब जैसे सोने में कहते हैं ना सुहागे वाली बात है, वही अपने आप को समझना। गुरुदेव चाहे भले ही आज आप कितनी भी माला करो तो कुछ एहसास नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, हम 64 माला कर रहे हैं ये कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ अनुभूति नहीं हो रही। अरे पहले जीवन क्या था तुम्हारा, जब तुम 2 माला नहीं करते थे तब जीवन क्या था, आज तुम 10 माला कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन क्या बदल गया कि आपने लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो ये ना समझना कि हमारे तो कुछ अनुभूति नहीं हो रही, माला कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। मिलेंगे भगवान जरूर मिलेंगे, कुछ नहीं तो स्कूल में एडमिशन तो हो ही गया समझ लो, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में तो ठाकुर जी हमें जरूर दर्शन देंगे। और भगवान हमें अगले जन्म में जो हमारे इतने वर्ष खराब गए हैं, कई लोग 25 के बाद आए कोई 35 के बाद आते हैं, मेरे शादी के बाद 2 बाद मुझे गुरुदेव मिले। मैंने गुरुदेव अगर थोड़े पहले मिले होते ना तो मैं भी आप ही के साथ होता, लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा लगता भगवान की इच्छा थी इस बार तुम संसार ग्रस्त आश्रम ग्रहण करो। तो अगले जन्म में मैंने कहा गुरुदेव अगर 2 पहले मिले थे तो हम अनुभूतियां करते जाते हैं तो एहसास होता है हमें। तो साधारण गुरु ना समझना, बिल्कुल ये समझना कि भगवान मिलेंगे ही जरूर मिलेंगे। रामानंदे राम राम क्या नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवे नमो नमः। कृपां बुद्धि पर दुख दुखी सनातनं प्रभु आश्रयामि
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चरित्र दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अयोत्री कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और उसके बाद जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, माताएं, प्रभु लोग, भाई बहन, उन सभी के चरणों में यथायुक्त प्रणाम करते हैं। आज क्या है? आज गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है। आज से 4-5 साल पहले वृंदावन जब गए थे तो वृंदावन में बहुत वर्षा हुई और पानी पानी भर गया था, और आज दिल्ली में वृंदावन की याद आ गई। जहां भी जा रहे पानी पानी भरा हुआ है, पूरा दिल्ली में, नोएडा में, सब जगह। तो आज क्या है? आज व्यास जी की आविर्भाव तिथि है, जो अखंड गुरु तत्व है श्री कृष्ण द्वैपायनो वेद व्यास जी। महाराज जी ने कथा सुनाई होगी अभी, वेद व्यास जी कैसे प्रकट हुए, क्या हुए, क्या उनका ऋण है, गुरुदेव क्या होते हैं और हम लोगों को क्या देते हैं। जैसे बता रहे थे ना प्रभु जी, मेरा तो जीवन ही बदल गया, कहाँ कैसे थे और कहाँ कैसे हो गए, मांस प्याज लहसुन छोड़ गया कैसे बने थे, को गुरुदेव क्या क्या करते हैं हमारे लिए। अभी मैंने एक श्लोक कहा, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न पायन माम नवी सुबंध कृपा पर दुख दुखी सनातनम प्रभु महास्वामी। आज सनातन गोस्वामी पत्र भक्त दिए, बहुत बड़े संत हुए, उन्हें वृंदावन में कहते बाबा। आज मुड़िया पूर्णिमा है, आज वृंदावन में गोवर्धन में पैर रखने की जगह बहुत भीड़ है, गिरिराज की परिक्रमा की आज के दिन, आपने बताया उनको, आज को बोलते मुड़िया पूर्णिमा क्योंकि आज के दिन वो शरीर छोड़ा था और इतना प्रेम था ब्रजवासियों को। जब ये बाबा गए सारे ब्रजवासी रोने लगे थे, बहुत रोए, और सबने अपना मुंडन जो आज के दिन कराते ना, सबने अपना मुंडन कराया और उस दिन से सब लोग परिक्रमा, वो रोज परिक्रमा करते गिरिराज जी की, रोज परिक्रमा करते थे, तो उसी के उपलक्ष में आज भी लोग परिक्रमा करते हैं। पर भीड़ बहुत है, गिरिराज जी जा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, मानसिक कर लो, मानसिक का भी बड़ा फर्क मिलता है। तो आज उनका है, तो उनके जो शिष्य थे और एक रघुनाथ दास गोस्वामी ने किसको कहा, वैराग्य भक्ति रसम प्रयत्न अपायन माम नवी सुमंतम कृपा पर दुख दुखी सनातनम प्रभु महाश्रम। कहने हैं सनातन गुरु, जब सनातन गोस्वामी नहीं होते, मैं इस संसार में फंसा हुआ था और जिन चीजों में रस नहीं है, जिन चीजों में दुख है, उन चीजों के पीछे भाग रहा था, परंतु उन्होंने क्या किया, मेरे को जबरदस्ती कर ले, जैसे बोले जबरदस्ती ट्रेन में बिठा के ले गई और बोले व्रत रखो और बोले कि हरि नाम ले लो, अगर जबरदस्ती किया। तो ऐसी सनातन गोस्वामी गुरुदेव क्या करते हैं, पहले जो उपदेश देते हरि नाम करो, भगवान का भजन करो, हमें अच्छा नहीं लगता, और फिर जब हमें इसकी अनुभूति होती है तो हमें अच्छा लगता है। देखो जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझो, एक मनुष्य का बच्चा, छोटा सा बच्चा जन्म जैसे दिया बच्चे ने, और वो उनके माता पिता मर गए और जंगल में चला गया, बच्चा किसका है, मनुष्य का बच्चा। अब इसके माता पिता तो मर गए, अभी बच्चा गया बंदर, और बंदर वहां बहुत सारे बंदर थे, उन्होंने बच्चे को गोदी में ले लिया, पाल लिया। अभी देखो बच्चों के, बंदरों के साथ रह के धीरे धीरे क्या हो गया, बच्चा बंदरों की तरह धीरे धीरे खाना सीख गया, पेड़ पे रहना, फल खा लेता तोड़ के, और कपड़े भी पहनता है, बंदर कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े नहीं पहनता था। अभी क्या हुआ, जंगल में रहते रहते भूल गया मेरे माता पिता क्या है, मनुष्य है, और उसके क्या हो गए, नखून बढ़ गए, बहुत बड़े बड़े नखून बढ़ गए, और उसके जैसे बाल, हम बच्चों का मुंडन कराते हैं ना, बाल कटाते हैं, धीरे धीरे ड्रेस पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, बच्चा तो जंगल में चला गया, अभी कोई से स्नान भी नहीं करा रहा, नाखून भी बड़े बड़े बढ़ गए।
अभी कोई भी बंदरों की तरह क्या कर रहा है वो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाना सीख गया, जैसा किया संग वैसे चढ़ेगा रंग। वहां पर एक मनुष्य व्यक्ति आया जंगल में, वो क्या आता है, वो पशुओं को पकड़ने के लिए आता है, और उसने देखा ये बच्चा तो मनुष्य का बच्चा है पर ये कैसे घूम रहा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, इधर उधर छलांग, और नखून इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, और क्या हुआ जंगलियों की तरह है, कपड़े भी नहीं पहना, बच्चा किसका है, मनुष्य का बच्चा है। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ने के लिए गया शिकारी, मतलब वो पकड़ने जाया तो जानवरों को, पर उसने कहा इस मनुष्य को मैं मनुष्य बनाऊंगा, ये तो बंदर की तरह है। जैसे ही पकड़ने गया बंदर के बच्चे को, तो बंदर क्या कर रहा है, एकदम से उसको खाने पे लिया है, जैसे बंदर करते हैं ना की ऐसे कर रहे, बंदरों की तरह दांत दिखा के कर रहे हैं, और नखून बड़े बड़े होकर उसको मारने के लिए आ रहे हैं, और वो किस लिए उसे मनुष्य बनाना चाह रहा है, वो उसको पकड़ रहा है पकड़ने के लिए, उसका मंगल करने के लिए, पर वो क्या कर रहा है, पकड़ने नहीं दे रहा, वो सोच रहा है जंगली पशुओं की तरह रहना है। पर धीरे धीरे उसने क्या किया, जबरदस्ती पकड़ के क्या किया, पहले तो उसके बाल बहुत बड़े, टार्जन फिल्म देखी टार्जन, ऐसे बड़े बड़े बाल हो गए, और ये नखून बड़े बड़े हो गए, वो पशुओं की तरह रहने लगा। अभी उन्होंने क्या किया, इसके जबरदस्ती तो बाल काटे, जब बाल काटे तो वो उसको पकड़ नखून मार रहा है उसको, और उसके नखून में खून निकल रहे, वो तो चाह रहा उसको उद्धार करना, पर वो उद्धार चाह नहीं रहे। अभी हुआ क्या, फिर उसने नखून को काटा, बहुत अच्छा बना दिया, और बच्चे की क्या किया, अच्छे से साबुन से शैम्पू से मिलाया, बच्चा बहुत सुंदर बन गया। पर अभी भी वो चाह था बच्चे को नहीं पता मेरा हित कर रहा है, अभी बच्चे को नर्सरी में एडमिशन कराया है, बोलो ए फोर एप्पल, बी फोर बॉल, सी फोर कैट, नर्सरी पढ़ाया, केजी पढ़ाया, फर्स्ट पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, जब टेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ाया तब उसको अच्छे से सूट पहनाया, टाई पहनाया, और पहना के लेके गए जंगल में, और जंगल में दिखाया देखो ये जंगल में ये बंदर है ना, पहले तुम ऐसे रहते थे, तो पहले मैं ऐसा रहता था, कहते आप जंगल में रहते थे, ऐसे ही खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तो मैं तुम्हें ये बनाना चाह रहा था पर तुम बनना नहीं चाह रहे थे। कहते जब एक गुरुदेव की कृपा का कब अनुभव करेंगे हम, गुरुदेव चाहते हैं भजन करो पर हम लोग चाहते नहीं, हम कहते हैं गुरुदेव कहते हैं मार छोड़ो, प्यार छोड़ो, लहसुन छोड़ो, तो हम कहते ये क्या बढ़िया डी चीज है, जैसे नखून मारने के लिए हम नखून मारना चाहते हैं, गुरुदेव की बातों को सुनना नहीं चाहते, पर जब गुरुदेव की बातों को अनुभव हम करेंगे, बता रहे रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न पाए माप नबी सुमंत्र, मैं चाहता नहीं था इस रस को बात करना, भगवत रस जो है भक्ति का उसमें क्या आनंद है मेरे को पता नहीं था, पर सनातन गोस्वामी ने क्या किया, जबरदस्ती करके मेरे को इस भक्ति रस का आस्वादन कराया। ऐसी एक शिष्य जब तक नहीं समझ सकता गुरु को, तब तक उसको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, जब गुरु का संग रहते रहते भगवान की अनुभूति प्राप्त कर लेता है कुछ, तब जाके क्या होता है, तब वो समझता है गुरुदेव क्या वस्तु है और क्या मेरे को देना चाहते हैं, तब गुरु जी के लिए क्या वो ये नहीं बोलेगा गुरुदेव के लिए मैं फूल लाऊ, फल लाऊ, या गुरुदेव के लिए क्या लू, वो क्या कहेगा गुरुदेव के लिए पूरा जीवन देने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी बहुत बड़े संत थे, उन्होंने क्या किया, भागवत या वेद व्यास, हमारे जो आज के जो गुरु है श्री कृष्ण दयापन वेद व्यास जी, उन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेद पुराण उपनिषद लिखा, उन्होंने क्या लिखा, देखो बहुत सारे गुरु की पूर्णिमा हो रही है, सब जगह गुरु पूर्णिमा टीवी पे देखो, थोड़ी सी अब लोग थोड़े आगे आ जाओ, यहाँ खाली जगह है, बीच बीच में खाली जगह, राजकुमार राजकुमार प्रभु है किधर आ जाए, राजकुमार किधर शिवा इधर आ जाओ, सत्संग का चैनल किधर आ जाओ, सत्संग का चैनल में बहुत सारी गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है आज, और जगह जगह वृंदावन में हरिद्वार में सब जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। परंतु गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है, गुरुदेव कहते तो वेद व्यास जी की बातों को नहीं मानते, वो लोग गुरु होने योग्य नहीं है। वेद व्यास जी ने क्या माना है, वेद व्यास जी ने कहा है भक्ति जो है ना सभी पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा संप्रसिद्धि, जीवन में क्या है कर्म के द्वारा भगवान में मिलेंगे, ज्ञान के द्वारा भगवान में मिलेंगे, योग के द्वारा तपस्या के द्वारा भगवान में मिलेंगे, एकमात्र भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान मिलेंगे। वेद व्यास जी ने ये बताया भक्ति ही जीवन का सार है, अगर हम लोग भक्ति नहीं करते और कोई और उपाय करते हैं, वेद व्यास जी ने क्या बताया सभी पुंसा
करो धर्मो ये तो भक्ति रदोक्षते। भक्ति करने से एक मार भगवान मिलेंगे। कोई गुरु क्या कहते हैं, कोई गुरु कुछ उपाय बताते हैं, कोई गुरु कुछ उपाय बताते हैं, पर वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु वो है जो वेद व्यास जी की बातों को मानते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं और सब लोगों को वेद व्यास जी की शिक्षा को देते हैं। यदि वेद व्यास जी की बातों को मानेंगे तो हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, नहीं तो गुरु पूर्णिमा पूर्ण नहीं होती। इसलिए आप लोग भी क्या करो, गुरुदेव की बातों को मानो और भक्ति जीवन में भक्ति भक्ति क्या है, भगवान का नाम करना। और भगवान का नाम क्या है, ये भगवान का नाम सदगुरु से प्राप्त करके करना चाहिए। नहीं तो नाम का क्या है, नाम भी इतना फल नहीं देता गुरु को प्राप्त करके जितना फल देते हैं। ठीक है ना। बोलो श्री गुरुपाद पद्म की, श्री कृष्ण व्यापन वेद व्यास जी की, सनातन गोस्वामी पाद की, तदित रोहाग दिवस की, पूज्य पाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज की, गुरु परंपरा की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमलन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाये ध्यात्मने शिष्यमते भक्तिवेदान्तशिलाय नारायण गोस्वामीति नामिने। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गणेशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैतगदाधर श्रीवासादी शिखर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वोत्तम समझे गुरु पाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम जगत गुरु ओम विष्णुपाद स्तोत्रम सत श्रीमद् भक्ति वेदांत परमहंस त्रिदंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अवचयन कमलोमयन गोचर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपांत गुरु वैष्णव परंपरा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। मन चाहती मेरे अभिन्न गुरु पाद पद्म मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्य पाद भक्ति वंश श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस साल भी हो रहा है गढ़ी गांव में। गढ़ी के भक्तों का ये विशेष अनुदान है इस वैष्णव जगत में और महाराज जी कृपा करके बार बार यहाँ आ रहे हैं। ये महाराज जी की विशेष कृपा है इस गढ़ी गांव के वासियों पे। तो महाराज जी जैसे कहते हैं एक बार सभी लोग तालियां बजाएंगे, मुझे लगेगा सुख भी आ रही है और भी आ रही है। तो तालियां बजाएंगे महाराज जी के लिए, अपने लिए और सभी वैष्णवों के लिए। बहुत सुंदर तिथि व्यास जी का बर्थडे जन्मदिन जन्म दिवस। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुबह से दो घंटे से महाराज जी कथा सुना रहे हैं। पूज्य पाद जीत रूप में इतना सुंदर सनातन गोस्वामी के विषय में बताया हम लोगों को। उससे पहले हमारे पूज्य पाद अनिरुद्ध प्रभु जी ने बड़ी सुंदर कथा बनाई, गुरुओं के विषय में बताई। तो महाराज जी ने 5 मिनट दिया है तो अभी मैं महाराज जी को एक एप्लीकेशन डालूंगा कि महाराज जी मेरा 5 से 7 मिनट कर दीजिए। तो 2 मिनट थोड़ा तो बढ़ाई है। व्यास जी का हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं। अभी महाराज जी गत कल जो बड़ौत में व्यास पूजा था तो वहां से भी लाइव प्रोग्राम आ रहा था, बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा था। महाराज जी ने वहां भी बड़ी सुंदर कथा सुनाई और पिछले कितने वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए गुरुदेव के सामने महाराज जी के श्री चरणों में एक हृदय में भाव आया। वो भाव भाव क्या है, भाव ये है अभी जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि व्यास जी ने एक अपुरुषीय जो वेद था ऋग्वेद उसका विस्तार किया 3 वेदों में, फिर पुराण बनाए, फिर उपनिषद बनाए, बहुत बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। शांति कब मिली, जब श्रीमद् भागवत कथा अमृत जो एक ग्रंथ है महापुराण उसका उन्होंने लेखन कार्य किया और तब उनको हृदय में शांति प्राप्त हुई। और महाराज जी ने जैसे बताया, क्योंकि वेद हमने पढ़े नहीं, उपनिषदों को हमको ज्ञान नहीं, इनकी सेवा करने से जो बुद्धि में आ जाता है वो भूल देते हैं इनकी कृपा से, कि इन वेदों में इन पुराणों में इन उपनिषदों में 2 लोगों का अधिकार नहीं था। एक बताया हिंदू सनातन धर्म में जो शूद्र वर्ग में है और स्त्रियों का, लेकिन इस भागवत में जो इन सारे वेदों का सार है इनको स्थान दे दिया कि इनका भी अधिकार हो गया।
तो इस शरीर से मैं जिस कुल में आया वो इस हिंदू सनातन धर्म में चतुर्थ वर्ग में है, जिसको सूत्र वर्ग कहते हैं। तो ये वेद व्यास जी की बड़ी अनुभव कृपा मेरे जैसे जीवों पे हुई कि इन महाभागवत की कृपा से इस भागवत जैसे जो वेदों का सार है उसमें हमारा अधिकार हो गया। और उससे ज्यादा अधिकार की बात करें तो श्री गुरु पाद पद्म जिन्होंने इस जीवन को ही पलटी करा दिया कि जहां आज आप सब लोग भी देखें अपनी अपनी स्थिति में अपने अपने निवास स्थान पर रहकर, स्थिति आज भी बहुत अच्छी तो नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं जात के नाम पे और अन्य चीजों के नाम पे। लेकिन इन महापुरुष ने श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने क्या करा कि इस जीवन की परिपाटी ही बदल दी। कि जहां हमारे अभी प्रभु जी बोल रहे थे ना कि मैं पहले खाता था मीट मांस इत्यादि, और हम तो कहते कि हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार था, ये तो खाते थे मारते थे खाते थे। लेकिन जीवन ने किस रूप से गति बदली और उसका श्रेय विशेष रूप से मैं कुछ एक जीत प्रभु को दूंगा कि ये मेरे मित्र थे कॉलेज में और कॉलेज से मुझको पकड़ के कहां लेके चले गए और आज आप लोगों के सामने महाराज जी के श्री चरणों में खड़े हुए हैं। तो जीत प्रभु के लिए विशेष रूप से तालियों का आप संबोधन करें और बिल्कुल उन्हीं के साथ साथ उनके बड़े भाई मेरे प्रिय ऋषि प्रभु इनके लिए भी आप ताली बजाएं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक व्यक्ति आता है और वो सदगुरु के पास लेके जाता है हर किसी के जीवन में। तो इनका ऋण हमेशा रहेगा और श्री गुरुदेव ने इस ऐसे जीव को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। तथा तो बहुत कुछ है सनातन गोस्वामी पाद जी के विषय में बताने को। जब दोस्तों सनातन गोस्वामी पाद जी जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे तो महाप्रभु का जो उपदेश था उन्होंने उस उपदेश को अपने हृदय में धारण करा, लुप्त तीर्थों को उन्होंने फिर से उजागर करा, ग्रंथों की रचना करी और वहाँ मदन मोहन जी की सेवा करते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा जाते थे, वृद्ध अवस्था हो गई थी तो गिरिराज जी ने कृपा करके ही कि सनातन अब तुम वृद्ध हो गए हो तो अब तुम परिक्रमा ना आया करो। तो कैसे करें, एक भक्त भगवान की सेवा के बिना रह नहीं पाता। तो सनातन गोस्वामी बोले कि नहीं प्रभु कैसे भी हो मैं तो जाऊंगा। सनातन गोस्वामी वृंदावन से गिरिराज जी आते थे, परिक्रमा करते थे, वापस जाते थे, 70-75 वर्ष की आयु तक वो ऐसा करते रहे। भगवान इतने प्रसन्न हुए अपनी भक्त की उस सेवा से कि अपने आप को ही गिरिराज जी की छोटी सी शिला के रूप में उनको दे दिया कि तुम इसी की चार परिक्रमा कर लिया करो और मेरी परिक्रमा का फल तुमको मिल जाएगा। हम लोग श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन जाते हैं और वहां दर्शन करते हैं श्री राधा दामोदर जी का, अन्यतम श्री विग्रहों का। और वही एक छोटी सी शिला है गिरिराज जी की जो भगवान ने स्वयं सनातन गोस्वामी पाद जी को दी थी। तो आज इस तिथि पे जो गुरु पूर्णिमा के रूप में उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे गुरु वर्ग सर्व गोस्वामियों से एक श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की जो त्रिभाव तिथि है उस पे हम उन्हीं को उन्हीं के चरणों में ये वंदना करते हैं कि हम भी किसी जीवन में किसी जन्म में श्री गुरु पाद पद्म की कुछ निष्कपट रूप से सेवा कर पाए तो वो जीवन हमारा एक सार्थक जीवन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी कथा को विराम देता हूं। राम शास्त्र के श्री कृपा से कृपा पति का नाम पाई है वैष्णव प्रभु नमो शिवाय शिव ज्यादा नहीं 5 मिनट जैसे बोल रहा हूं थोड़ थोड़ आगे आ जाओ पीछे जो लोग बैठे हैं ऋषि ऋषि आ जा दो शब्द छोटी के बाद में बोल कर आ जा ऋषि सबसे पहले युवाचार्य नारायण गोस्वामी महाराज जी के हमें चरणों के मुझे प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत सरदार गोसाई महाराज जी के चरणों में जन्मति प्रणाम करता हूँ। और तत्पश्चात मेरे गाँव में भक्तबिंद जितनी माँ महत माता पिता सब के चरणों में मेरा यथा योग कृपा हो। शिवा प्रभु जी है वो कहाँ पर रहेंगे। देखो प्रभु जी आपका गरीब ने जो प्रचार नहीं है ये जैसे जगाई बाधाई थे जगाई बाधाई नित्यानंद गुरु का सर फोड़ दिया था। लेकिन नित्यानंद गुरु इतने दयालु वो कहते हैं ये बंगला भाषा में एक शब्द है
बोले मेरे जी कल सिरे ताना ताई बोली की प्रेम दीना, मतलब है भले ही तुमने मेरे सर को फोड़ दिया या इसलिए मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु कौन है? ये हमारे अभिन्न गुरु वर्गों का जो मूल जो ये श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए जैसे नित्यानंद प्रभु मार खा करके भी उन्होंने सभी को प्रेम दिया, हमारे शिवा प्रभु भी मार खा करके इन्होंने गरीब राशियों को प्रेम दिया है, मानते कि पूरी बात को इसलिए उन्होंने मार भी खाए। लेकिन मार की भगवान की बड़ी परीक्षा थी इनको पर, है खाने सकता महाराज जी मार खा सकता या मार सकता इसलिए मार पे खाए। लेकिन आपको पता होगा पहले ये क्या था, लेकिन ये मार खा कर बिना नित्यानंद प्रभु कौन है? बलदेव प्रभु। अगर वो चाहे तो एक सेकंड में दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन वो मार खा करके भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। महाप्रभु चक्र को तो बुला दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का चरण में गिर पड़े। बोले प्रभु आपने बताया कि अवतार में किसको मारो को नहीं, चक्र को मत बुलाए, आपने प्रतिज्ञा की ना। इसलिए शिवा हमारे शिवा प्रभु जी मार तक आए, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसको मार खार कर सर फट जाए, हॉस्पिटल में भर्ती रही कुछ दिन तक, हैं अभी उन्होंने केस तक भी विरुद्ध में कोई केस तक भी नहीं किया तो उन्होंने केस को उठा लिया, उन्होंने उठा करके उन्होंने सहन कर लिया। उसको बाद में इतना नहीं, इन्होंने फिर मेरे को लेकर के आए और चाचा जी को पास में लेकर के आए। देखो इनका कितना हिम्मत है। फिर उन्होंने चाचा जी को पास में लेकर के आए और बोले आप एक भागवत कथा करवा। लेकिन चाचा जी राजी हो गए, बोले ठीक है जो कुछ होगा मैं मदद करूँगा। फिर भागवत कथा में, लेकिन वो भागवत कथा से धीरे 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 बैठते बैठते सचमुच से ये गड़ी गड़ी मतलब होता है गढ़ मतलब क्या है, कितना ये किसी जो मेन स्थान है सचमुच से ये भक्ति का के गढ़ बन गया। गौड़िया गढ़ बन गया महाराज जी, गौड़िया गढ़ बन गया। और देखो धीरे 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 इतने प्रचार हुआ। अभी जब ये भागवत कथा किस बार हुई ना, आप लोग ने देखे कितने संख्या में भक्त लोग आए। अगर ये बारिश नहीं होता है ना, मुझे लगता है घर में तो बैठने के लिए जगह है ही नहीं, घर चार तरफ में भी जगह नहीं होगा। इतने इस बार गड़ी में कितने भक्त लोग इस बार इतने आए, इसलिए इसने बहुत प्रयास करके उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया है। तो महाराज जी ने बहुत ज्यादा मेरे विषय में इतना बोल दिया, सहायक नहीं हूँ ये जो बुद्धि है बहुत मोटी है, आज तक बहुत मोटी बुद्धि है, मैं कुछ ज्यादा जानती हूँ। अगर गुरु जी के शिष्यों में पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा मोटा दिमाग, सबसे ज्यादा मैं कदम मेरे से ज्यादा गुरु जी ने पता नहीं क्यों मेरे को अपने चरणों पर जगह दे दी, मैं लायक नहीं था। अपना ही मैं मनमाना जीवन मानव क्या होते हैं कुछ नहीं जानता था, क्यों जन्म लिया क्यों मरना है, जैसे लोग आते हैं मर जाते हैं मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे जीवन में बस गुरु जी ने कहते हैं ना सदगुरु होते हैं तो जो पापी या तापी जैसे भी हैं उनमें गुण गुण देखते हैं, गुण नहीं देखते। तो मेरे अंदर तो 99% लाइट के बिल्कुल कोई पता नहीं, तिल मात्र कोई गुरु जी ने पता नहीं क्या मेरे अंदर गुण देगा और मेरे को अपने चरणों में जगह दी। मेरा एक ही शौक था, नाचने का शौक बहुत था महाराज जी, मैं रोज नाचता था। हाँ जैसे गांव में कहीं बरात कहीं जा रहा है कुछ भी जाना शराब पी के नाचना मस्ती करना, ये भी नहीं देखना समाज में भाई है आदमी छुपके पीता अंधेरे में, मैं खुल के मुँह पे लगा के पीता था है। और सब बोलते थे भैया खुल के पियोगे करोगे समाज में कोई भैंस आती नहीं करेगा, तो भैंस आते पार्टी की बात कोई दिक्कत नहीं, पर शौक है शौक तो पूरा करना होता है। तो महाराज जी ऐसे ही करते करते हमारी कालका देवी है, कालका देवी जाते थे अपना वहाँ सेवा हुई, थोड़ा अंदर से भाग तो था सेवा का, तो रात को 11:30-12 बज जाते थे, हम माता का अपना सैर करके आते थे तो सेवा करते थे। सर्दी का समय जैसा भी कर रहे थे तो बीच में जब आते थे शिव मंदिर पड़ता है, बीच में शिव मंदिर पड़ता है तो हमने चलो भोले बाबा का भी आशीर्वाद मिलेगा तो वहाँ शिव मंदिर पर भी जाते थे। जैसे ही चाहते थे देखते थे भाई इन्हें इसको मंदिर बना था नया नया, तो मैंने बोला इसको अंग्रेज ज्यादा आते, पर मैं चलो एक बार देखते हमारे सब्जी को हमारे साथ में हम दोनों जाते उस समय
कोई जुड़ा देता बड़ी गांव से, तो हम वहां जाते थे तो मैंने यार समझा लोहड़ी देख रहे अंदर जाके कैसे करते कीर्तन, तो वहां जाके देखा वो जानते गोल्डियस कॉल कोई अलग नहीं है, सब एक ही हमारे सब, तो इतना बढ़िया कीर्तन ये हुआ हमारे वहाँ बढ़िया जाना मिल गया चढ़ के रोज सात बजे फिर पता करा कि सात नहीं भैया तीन टाइम कीर्तन होता है और बढ़िया हो गया तीन टाइम अपने उधर स्वर मंदिर में जाने लगे, जाते जाते अपने सामने गरुड़ महाराज हैं, तो बोला भैया यहाँ प्रणाम करो, चलो भैया जैसे कोई बता दे कर लिया अंदर करा प्रणाम, तो कल का दिन ही जाना नहीं छोड़ा मंदिर में, तो भाग लो बोल देते भाई तुम कृष्ण भक्ति में आ गए तो देवी काला टीका लगाता था, काला टीका अच्छा भी लगता था, तो बोलते तो तापसी थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता मंदिर में आ गया तो माता का टीका क्यों लगाते हो, मैं हमारे गुरु देवी है 100 साल का हमारे नाम सब बजे बज सब यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो बोले नहीं जब कृष्ण के चरण में आ गए तो सबकी सेवा होगी, मैं ऐसे कैसे हो गई ऐसे हम तो जाए तो वहां भी जाते रहे, लेकिन जैसे गुरु भक्तों की कीर्तन करते करते जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, कुछ भक्त ऐतराज भी करते थे ये भी है तो शराबी का आता तो मैं बदबू मार रही इसको भगाओ ये करो फलाना, तो कह रहे भी गांव का लोग का नहीं तो यहाँ का ये है और इसको ऐसा ठीक भी नहीं है, तो कुछ भक्त थे जो समझते थे कह रहा चलो शराब पी के कम से कम भगवान के सामने तो नाच रहा है कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा, तो देख रहे हैं नाचते नाचते भगवान तो कहते हैं ना गुड़ देखते हैं तो ये उड़ता नाच रहेगा, तो भगवान ने सदगुरु ने जो भी देख के मेरे को जो सुकृति पता नहीं पिछले जन्म का कुछ आ गया सामने, तो बस करते करते उन्होंने कीर्तन भगवान के सामने ना चढ़ाई है, तो भक्ति करने कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल भक्ति करने के लिए जो भी तुम्हारे गुण है भगवान की तरफ लगा दो, ना चले तो भगवान के लिए नाचो है, और पैदल कर चलने का शौक है तो बल्कि मगर होकर नाचेंगे जाके, बाकी और जो भी शौक है अपना सारा भगवान की तरफ डेडिकेट कर दो, जो संसार में प्रेम कर लो उसमें जाके समाज में जाके ना उसकी जगह सीधा भगवान की जगह गुरु वैष्णव आ रहे हैं उनके कोशिश करो, तो जहाँ गुरु जी आते थे मैं जाने लगा वहाँ, तो दीदी कह रही है ग्रामीण दीदी थे मैं बोल रही है कहते गुरु जी के पास जाने से ये साधन की है सदगुरु, मैं कहने तो हमारे जैसे ही ऐसे, तो कह रहे नहीं इनके अंदर जो एक इनके अंदर गोविंद जी का वास है तो ये अंदर अंदर इनके निकलती है रेस निकलती है सूर्य की किरणों से निकलती है, तो तुमको पता नहीं है जाने अनजाने में जितनी बार दर्शन ही कर लो और कुछ नहीं हो तो दर्शन करने से तुम्हारे हृदय पवित्र होगा, और तो क्या है अपना आते रहो चलते रहो जैसे जैसे गुरु वैष्णव गुरुदेव की कृपा से मेरे जैसे मोरक को और पागल लबावड़े को भी अपने चरणों में लगा लिया प्रभु की भक्ति विदान सिद्धर महाराज की, इसलिए धीरे धीरे इनके जीवन में बड़ी अनुभूति हुई, कभी जीवन में बड़ी दुख कष्ट में भी आए, घर में 50 रुपया 100 रुपया तक मिलेगी, एक बार उन्होंने गुरु जी के पास में गए, गुरु जी इनको पर में ऐसे कृपा की, यहाँ पर तो दुकान था लेकिन किराया नहीं उठ रहा था, इनकी बड़ी बड़ी अनुभूति है, गुरुदेव ऐसे कृपा की अद्भुत इनको पर कृपा की, इनकी बड़ी बड़ी अनुभूति, लेकिन गुरुदेव हमारे गुरुदेव इतने बड़े दयाल हुए, कितने शराबी जैसे जगाए माधाई के ऊपर में महाप्रभु कृपा किए, हमारे गुरुदेव भी ऐसे बड़े बड़े जगाए माधाई के ऊपर में भी गुरुदेव ने कृपा की, क्यों गुरुदेव गोलोक वृंदावन के राधा रानी के सहचरी हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कोई साधारण जीव नहीं, ये राधा रानी की ये रमण मंजरी राधा रानी की नित्य परिकर है, तभी उन्होंने इतने जीवों के ऊपर उन्होंने कृपा की, इनकी कृपा से ही आज हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित होकर के और भगवान की कथा सुन रहे, इनकी बड़ी कृपा है, इसलिए हमारे बीच में एक राधा दासी जी है, ये बड़ी प्रचार करती हैं, ये इष्टम कैलासी की दीदी प्रचार करती हैं, और बहुत सारे जीवों को भी उन्होंने श्री गुरु जी के पास में इन्होंने लाई और घर घर में भी जाकर के हरि कथा सुनाती है, अभी 2 मिनट की कुछ कथा सुना ज्यादा समय नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैं आज अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मेरे शिक्षक गुरु श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम और सभी वैष्णव वैष्णव के जो यथा योग्य हैं प्रणाम। गुरुदेव जब गुरुदेव का नाम आता है सब अपने महाराज जी याद आते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि गुरुदेव की हेतु की कृपा इस तरह से मुझे प्राप्त होगी,
मैं तो शिव भक्त थी, एकनिष्ठ शिव भक्त। जब रामचंद्र मेरी दीदी के यहाँ पर आए, मेरा भाग्य तो तब उदय हुआ जब गुरुदेव मेरी दीदी के नहे इस रोग के नाश में, और उन्होंने मुझे राम डिम्पल दीदी थी मुझे लेकर गई कि गुरुदेव हैं, तेरे बच्चे बीमार रहते हैं, उनसे दर्शन करेंगे, बच्चे ठीक हो जाएंगे। रामचंद्र प्रभु जी से मुलाकात, टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में, इसलिए रामचंद्र प्रभु जी ने फिर बोला कि तुम शिव भक्त हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते तुम कृष्ण भक्ति कर शिव जी के पास गया है? तो मैंने कहा ये भी बड़ी अजीब बात है, मैंने कहा शिव जी के पास जाए कुछ है या नहीं है? मैंने कहा किसी मतलब से प्रेम किया तो क्या प्रेम किया? मैंने कहा लेकिन अगर मेरे शिव जी के पास कुछ नहीं भी है आज देने के लिए तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। मुझे कहा, मैंने कहा कृष्ण से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं उनसे लूंगी क्या? तो कहती तू ऐसे नहीं समझेगी। फिर कहते अच्छा शिव बोल तेरे शिव जी कौन है? तो मैंने कहा वो मेरे पिता है। तो कहते अच्छा तू ऐसे तो हाथ में आएगी नहीं, तुझे गुरुदेव के पास लेके चलता हूँ। तो मुझे पकड़ के गुरुदेव जी के पास ले गए। मुझे आज भी याद है जब गुरुदेव मेरी दीदी कमली दीदी के घर पे थे और वहाँ पे रामचंद्र जी मुझे जबरदस्ती वहाँ पर उन्होंने बिठा दिया और मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था मेरे शिव जी से मुझे अलग कर देंगे और मैं गुरुदेव के लिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो गुरुदेव को देखते ही बस रोना छोड़ गया। गुरुदेव बोलते तुम शिव है तो? तो मैं चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। कहते तुम्हें पता है कि शिव जी कौन है? तो मैंने कहा अभी तक तो मैंने सोचा ही नहीं कि शिव जी कौन है, बस ये पता है कि मैं उनको पिता के रूप में एक संबंध आत्मक, कहते ना हमारी भक्ति में एक संबंध की बहुत आवश्यकता होती है। तो पूर्व जन्म के हरिगुरु वैष्णव की कृपा होगी तो शायद संबंध हृदय में था, तो शिव जी से भी मेरा पिता की तरह संबंध था कि वो मेरे पिता है, मैं उनकी पुत्री हूँ। मैंने कहा बस गुरुदेव मुझे इतना ही पता है कि वो मेरे पिता स्वरूप है और मैं उनकी पुत्री, मुझे इससे कुछ नहीं पता। गुरुदेव कहते जो तेरे यहाँ बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है ना तो उसने बेलपत्र चलाना बंद कर दे। मैं हैरान रह गई कि गुरुदेव को कैसे पता चला कि मेरे घर पे बेलपत्र का पेड़ है। तो रोते रोते मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव मैंने तो बेलपत्र का पेड़ ही इसलिए लगाया कि वो शिव जी को बहुत पसंद है। तो कहते अच्छा ठीक है तुम्हारा ना कल्याण होगा, तुम पहले ये देखो कि गुरु तुम्हारे शिव जी कौन है और वो तुमसे क्या चाहते हैं, तुम उनसे बहुत प्रेम करती हो? मैंने कहा हाँ मैं से ही आ दिया, प्रेम का अर्थ तो पता नहीं था, बस चाहना चाहते बस इतना ही पता था। तो कहते शिव जी भी तुमसे कुछ चाहते हैं? तो ये बात समझ में नहीं आई, इतनी बड़ी बात कोई सदपुरुष ही बोल सकते थे जो गुरुदेव ने बोला। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे शिव तत्व दिया, शिव तत्व तो मैं पढ़ने और सारा ये सब कुछ दिया। फिर उसके बाद तब भी इतना फिर भी शिव जी के पास मेरी इतनी आधार वो था कि मुझे लगा मैं इनको छोड़ के गुरुदेव के पास कैसे जाऊँ। फिर रामचंद्र प्रभु जी कहते कि अच्छा शिव जी तेरे कौन है? बोलते पिता है। कहते अच्छा ठीक है पिता है तो तेरे पिता भी तो इतने महान है तो कोई लड़का भी तो तेरे लिए तो अच्छा सा चूज करेगा ना, तो शिव जी ने तेरे लिए कृष्ण को चुना है। तो ये बात मुझे थोड़ी समझ में आई क्योंकि भावुकता प्रधान है। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, मैंने कहा कि जब मेरे शिव जी मेरे पिता है तो उन्होंने मेरे लिए कृष्ण को चुना है। लेकिन मैं कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो मुझे बड़े प्रैक्टिकल लगते थे। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि कहाँ भजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको चूज करना। मैंने सभी देवी देवताओं के बारे में मैंने कहा जिनकी तरफ मेरा हृदय मिलेगा मैं उनका भजन करूंगी। इसी तरह से जब मैंने उनका भजन, ऐसे गणेश जी आए, लक्ष्मी जी आए, ऐसे ऐसे में कृष्ण भी आए। तो मुझे जब कृष्ण की बारी आई तो मैंने कहा ये तो बड़ी मतलब ही बड़े सेल्फिश है, और जब देखो मैं करते रहते हैं मुझे ही चाहो मुझे ही प्रेम करो, क्यों इनको चाहे क्यों इनको प्रेम करे शायद ये कोई बताने वाला नहीं था। और ये बड़े प्रैक्टिकल थे तो मुझे लगा मैं कहती सीधी साथी ये बड़े बहुत प्रैक्टिकल है इनकी और मेरी तो कभी नहीं बनेगी, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। जब भोलेनाथ बाबा की पहले मैंने कहा ये ठीक है भोले भाले हैं इनकी और मेरी बनेगी, तो मैंने उनके पिता का संबंध लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था आगे जाके शिव भक्ति मतलब परम वैष्णव भाई शिव जी उनकी हेतु की कृपा होगी और मुझे ऐसे सदगुरु मिलेंगे। उन्होंने मुझे एक पिता से मुझे कृष्ण तक पहुंचा दिया। फिर कृष्ण के लिए लालसा कैसे हृदय में कृष्णा उतर गया मुझे पता ही नहीं चला, उनसे नफरत नफरत करते करते वो प्रेम का बदल गया मुझे ये इसका भी एहसास नहीं रहा। लेकिन तब तक मुझे गुरुदेव की महिमा नहीं पता थी, मुझे बस ये था कि मुझे कृष्ण को प्राप्ति करनी है इसलिए गुरुदेव एक जरिया है, बिना हरि नाम के तो मुझे कृष्ण मिलेंगे ही नहीं। इसलिए जब मैंने हरि नाम लेने का सोचा तो बस मुझे किसी तरह से कृष्ण मिल जाए। तो मैं गोवर्धन गई और गोवर्धन में सीढ़ियां हैं मठ पे वहां पे मैं बैठ गई कि मुझे जब तक है। लेकिन भक्तों ने मुझे बोला था कि आज तो गोवर्धन पूजा वाले दिन गई थी तो कहते आज तो बहुत भीड़ है गुरुदेव तुम्हें जो है वो हरि नाम नहीं देंगे। तो मैंने घर से ही कह दी, मैंने कहा कृष्ण अब मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए आ रही हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो गुरुदेव मुझे आज आज के दिन हरि नाम जरूर देंगे।
और मुझे लगेगा मुझे तो मुझे मिल गया। यही प्रार्थना करके घर से चली थी और गुरुदेव मतलब मैंने मठ भी नहीं घूमा, फर्स्ट टाइम मैं गोवर्धन गई थी और सीढ़ियों में जाके बैठ गई। बस इस चीज का इंतजार करती रही थी कि गुरुदेव आए और मुझे वो हरि नाम दे दे। मैंने कहा गुरुदेव कहीं इधर उधर ना चले जाए, इसलिए मैं सीढ़ियों में ही बैठी रही 2-3 घंटे तक। जब मैंने वेट उनका इंतजार करती रही बैठे बैठे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कहीं इधर उधर कुछ नहीं देखा। फिर गुरुदेव का दरवाजा खुला और गुरुदेव ने मुझे देखते थे आ गई तू, वो शब्द आज तक नहीं थे। मैंने कहा गुरुदेव जो आप बात लगा के वहां पर आए थे ना, उस चिंगारी मुझे यहाँ पे खींच लाई। तो बस मैंने कहा गुरुदेव मुझे आप हरि नाम दे दो। इतना तड़प के मैंने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव ने फिर मुझे हरि नाम दे दिया। हरि नाम मैंने लेके बस मुझे लगा कृष्ण की प्राप्ति हो गई मुझे। हरि नाम से ही मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि मुझे दीक्षा के बारे में भी कुछ पता नहीं था और गुरुदेव के प्रति मेरा ऐसा प्रेम नहीं था, वो मेरे लिए जरिया मात्र थे। कृष्ण और राधा रानी से मिला, राधा रानी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने कृष्ण हरि नाम ले लिया उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि दीक्षा मंत्र भी होते हैं, दीक्षा मंत्र से ही हमारे हृदय में जो भगवान प्रकट होते हैं उनकी रूप गुण लीलाएं जो है प्रकट होती है, तब मेरे हृदय में वो भावना आई कि मुझे दीक्षा भी लेनी है। 6 महीने के अंदर ही गुरुदेव ने पता नहीं क्या से क्या कर डाला और मैं तड़पती हूँ नवदीप पहुंच गई। नवदीप में वहां पे मैंने दीक्षा ली और फिर उसके बाद दीक्षा लेने के बाद भी फिर मैं बस कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण 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 ही नजर आते थे मुझे और कुछ नहीं नजर आता। लेकिन गुरुदेव के मैं देखती थी गुरुदेव के पीछे सब भागते रहते हैं, जहां जहां भी गुरुदेव जाते हैं सारे शिष्य चले जाते हैं। मेरे हृदय में स्त्री की भावना क्यों नहीं आती? तो फिर मैंने लीलाएं कथाएं सुनी, गुरुदेव जब आप प्रकट लीला रूप में गए, कहते ना जब मथुरा से कृष्ण वृंदावन से जब कृष्ण चले गए पूरा जो वृंदावन था सुनना पड़ गया, हर एक गली गली चौबारा सब कुछ बिल्कुल खाली खाली हो गया था। फिर उद्धव जी आए, उद्धव जी ने अपने तत्व सिद्धांत से गोपियों को नंद बाबा को और यशोदा मैया को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो तत्व सिद्धांत समझ नहीं पाए और उनके भाव तब यानी प्रेम की वशीभूत होने जो साक्षात जो कृष्ण उनके सामने प्रकट थे वो ही चाहते थे। इस लीला को मैंने भगवान को तो देखा नहीं, कृष्ण को भी नहीं देखा, राधा रानी को भी नहीं देखा, गुरुदेव को देखा। जब गुरुदेव अप्रकट लीला में चले गए तो मुझे भी ऐसे ही लगा बताए कनिष्ठ के बारे में तो
बताया ही है सब कुछ। केमिस्ट्री में मुझे लगता था जिसने हरी नाम ले लिया और दीक्षा ले ली वो कनेक्ट में आ गया, तो हमने भी कहीं अपने आप को एक कनेक्ट में गिनना शुरू कर दिया था। लेकिन महाराज जी ने आज बताया जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते वो कनेक्ट है, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव के पालन भी नहीं करते तो कनेक्ट से वो बहुत अधान है। तो आज मैं सारे हरि गुरु वैष्णव के चरणों में बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम उनकी आज्ञा और उनके मनोभावों को समझ कर हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सके, बस इसका आशीर्वाद प्रदान करें। ओम ज्ञान तिम्रस्य ज्ञानंजन सलाकिल चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम आपसे छोटी का कथा सुना, हमें चोटी क्यों रखनी चाहिए इसको बताओ, क्यों सब छोटी रखनी कथा तो बहुत है। ये एक अपना अनुभूति की बात बताएंगे गुरुदेव ने कैसे इनको स्वप्न दिया साक्षात रूप में आ करके, ये इसी विषय पर बोल। हरे कृष्ण, अभी दीदी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई, सबको भाव विभोर कर दिया, भक्तों की आंखों में आंसू दिए, चलो हम थोड़ा हंसाते हैं। गुरुदेव पाद पर जब मेरी दीक्षा हुई, जैसे अभी जेपी प्रभु ने बताया ना, कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। गुरुदेव के मैं दर्शन करने गया, जब मेरा भाई मुझे पे लेके गया, जीत प्रभु बैठे यहाँ पे, कि मुझे सिर्फ छोड़ने की बात थी, गुरु जी के चरणों में गुरुदेव आए हुए हमारे वसुंधरा, वहाँ तक छोड़ना है। तो कई दिन लेके गया, मैंने स्नान भी नहीं किया, मैंने भी मुँह भी नहीं धोया, मैं सुबह उठा इन्हें लेके चला गया। तो इनके साथ एक जटिल प्रभु थे, तो कहने लगे गुरुदेव के दर्शन कर लो, गुरुदेव अंदर बैठे हुए। तो ये कहने लगा, मैंने उनकी बात रखने के लिए अंदर चला गया, तो गुरुदेव वैसे ही सोफा पे बैठे थे, कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ सिका दीदी थी जिनका घर था, और रामचंद्र प्रभु थे और माधव महाराज। तो ये जीत प्रभु और जटिल प्रभु सी पे जाके दलदल प्रणाम बैठ गए महाराज जी के चरणों में। मैंने पता नहीं क्या कर रहे, हमने तो कभी ऐसे प्रणाम भी नहीं किया, हम बस ऐसी कभी कहाँ ऐसे करते थे प्रणाम भी कहने। तो फिर ये जीत ने ऐसे कहानी मारी मेरे हाथ में, प्रभु जी ने प्रणाम करो प्रणाम। तो जब मैंने ऐसे गुरुदेव के चरणों से सीधा होकर प्रणाम किया ना, तो गुरुदेव ने ऐसे देखा और मेरे से कहा हरि नाम लोगे, तो मैंने गर्दन हिला दी। मुझे पता ही था हरि नाम माला तो बोलते हैं ये जीत, जब जीत गुरु ने शुरू शुरू में भोग लगाना सुना ना, प्रसाद पालो भोग पालो, तो मैंने सोचा हरि नाम कोई खाने की चीज होगी, गुलाब जामुन वगैरह महाराज जी कुछ खाने की चीज देंगे, मैंने गर्दन ऐसे हिला दी। तो महाराज जी ने माधव महाराज की तरफ इशारा करा, माधव महाराज जी ने ये माला पहना दी तीन राम के अपने हाथ से गुरुदेव ने, और मेरे से कहा कि झूठ नहीं बोलना है, प्याज लहसुन नहीं खाने और हरि नाम करना है। तो मैं बाहर निकल के बहुत लड़ा जीत प्रभु से, मैंने कहा क्या ड्रामा है भाई, जबरदस्ती कर रहे, कह रहा नहीं मना कर देगा, मैंने मना क्या करता, मैं तो सोच रहा कुछ खाने की चीज होगी। तो फिर इसने कहा चल ठीक है, कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, हमारा फर्स्ट ईयर ही था, कह रहा झूठ जितना बोला जाए बोल, प्याज लहसुन भी खा, बस गुरुदेव ने जो माला दिया ना हरि नाम ये दो माला कर बस और कुछ नहीं करना। तो मैं सुबह दो माला करता था, आधे घंटे में होती थी। तो गुरुदेव ने स्पर्श इतना था, स्पर्श मात्र से ही जीवन बदल गया। ये जो गुरु जी कहते ना जेपी शर्मा बिल्कुल सही, खाली इनके साथ ही मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों की ऐसी कथा है कि गुरुदेव के सिर्फ स्पर्श मात्र से कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, ये तो रही एक बात। दूसरी बात महाराज जी जिस विषय करते हैं, समय का अभाव है इसलिए मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। दीक्षा की बात आई, दीक्षा के लिए ले गए मुझे, मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था, कह बंधन होना पड़ेगा, मैं बचना चाह रहा था गंजे होने से। तो फिर इन्होंने मेरा मुंडन करा दिया, वृंदावन की बात है, उस समय हमारा महाराज जी वहां रुके हुए थे, जो गोपी शाम के टाइम मेरा मुंडन करा दिया, चुटिया रखवा दी शिखर, जैसे प्रति कहते ना मुझे शौक है, मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं था, अभी इन्होंने चुटिया रखवा दी और महाराज जी ने फिर हरिनाम दीक्षा हो गई। सब मैं घर आया तो घर भी हमारा शुरू शुरू में विरोध था, तो अब पिताजी के डर की वजह से ना मैं वो कैप ओढ़ के रखूं, घर में कैब भी नहीं उतारू, सर्दियों में हुई थी दीक्षा, वैसे कार्तिक की उसको पूर्णिमा को
हमारे पिता जी कहने लगे क्या बात है भाई लड़का ज्यादा ही ठंड मान रहा कैप की नहीं जरूरी ना दिन में ना रात में चौबीस घंटे कैप क्या बात है। एक दिन मैं स्नान करके निकला तो जने देख लिया उन्होंने तो मेरे से तो कुछ बोला नहीं जीत करो को बुला के बोला तेरा इसको भी करवाना है जैसा फिर कोई बात नहीं। फिर हमारे भाई बड़े भाई ने मेरे से कहा कि वो तो सब ठीक है ये जो छुट्टियां ना छुट्टियां कटवा ले हमारे समाज में थोड़ी इज्जत है कोई कहेगा ये वो तो हाँ और अभी तेरी शादी भी नहीं तुझे शादी कर लिया तो छुट्टियां कटवा ले शादी भी नहीं होगी। मैं गया हमारी पड़ोस में घर के बाहर ही ना ही किया मैंने कि भैया छुट्टियां काट दे उसने छुट्टियां काट दी फिर मेरी शादी होगी 2005 में। काफी समय भी हो गया तो 2002 की बात है 3 साल हो गए मैं गया शादी हो गई शादी के बाद जो है कुछ दिन के बाद 10-15 दिन बाद मैं नाई की दुकान पे गया उसी के मैंने भी छुट्टियां बना दे बढ़िया से और उसने छुट्टियां बना दी। फिर जो मैं लेके आया अपनी वाइफ को पहली बार आया तो अब उसने छुट्टियां देगी तो वो रो ही रो छोटी देगी तो वो बीमार होगी टेंशन में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर कह रहा है इसे सारी रिपोर्ट नॉर्मल है डॉक्टर कह रहा है इसे टेंशन है। अब मुझे पता नहीं थी टेंशन इसकी वजह से मैंने उससे पूछा भी क्या बात है नई नई शादी हुई है कोई घर में दिक्कत है थोड़ी बहुत मुझसे दिक्कत है तो बता दे इसमें लोगों के कहा छुट्टियां कटेगी तो भी ठीक होगा मैंने कि भैया थोड़ी सरदर्दी होगी तो छुट्टियां का मैंने फिर अपने मन को समझाया कि भैया गृह चला रहा तो छुट्टिया का बलिदान फिर देना पड़ेगा मैं फिर नाई की दुकान पर गया मैंने ये छुट्टियां काट दे उसने फिर छुट्टियां काट दी। फिर ऐसी प्रक्रिया चलती रही 2011 की बात है 2011 को गर्मी जून के महीने में मैं बिल्कुल ठीक ठाक बाथरूम के बेहोशों के गिर गया हॉस्पिटल में जाकर मेट्रो हॉस्पिटल है एडमिट कर दिया वहां 3-4 दिन और स्वास्थ्य ठीक होने के लिए खराब होता चला गया रिपोर्ट आई नॉर्मल आई डॉक्टर इंजेक्शन दिया उसका रिएक्शन हो जाए ठीक होने का समझ नहीं आ रहा मुझको रात में स्वप्न आया गुरुदेव स्वप्न में आए धरती होती है ना धरती मैं उसमें बिल्कुल अंदर चला गया और मैं कह रहा गुरुदेव बचाओ गुरुदेव कह रहे बचाओ वहां से छुट्टियां तो है मेरी समझ में आ गई बात धर्म की भाई हालांकि ऐसा नहीं है गुरुदेव बिना छुट्टियां के बचा सकते हैं लेकिन ये जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है यूनिफॉर्म के जाते नहीं है ऐसे ये नियम जरूरी है। तो फिर मैंने सुबह मेरे पास ही थी भाई मेरी मैंने उससे कभी पास तुझे रहना आ रहा जाना चाह अब मुझे जीत गया जब कोई बचा ही नहीं पा रहा जब गुरुदेव भी कह रहे की छुट्टियां तो नहीं बचा पाऊंगा अब तो छुट्टियां रहेगी जब भी ठीक होगा मैं अब जब तक वो भी समझ गई उसे मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं छुट्टियां उसके बाद फिर मैं ठीक होना चला गया मैं घर आया रिक्शा लेती मैं नाई की दुकान ले गया मैंने की छुट्टियां रख दी नाई ऐसे कह रहा एक बार और सोच ले मैंने उससे कहा अब जीवन में गर्दन कटेगी छुट्टियां नहीं कटेगी अब ये गुरुदेव की कृपा है अब इसमें हो सकता है कि सपने में अगली बात कह रहे झूठी होती हो सकता है झूठी हो लेकिन मैं झूठी कैसे मालूम जब मेरी छुट्टियां सही में रखवा दी ऐसे हमारे गुरुदेव थे समय का भाव। बस एक मिनट गुरुदेव महाराज जी के बारे में बताऊंगा पिछले वर्ष 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी 8 जुलाई को महाराज जी बेंगलोर से आए थे एयरपोर्ट मैं खुद महाराज जी को लेने गया 12 बजे महाराज जी फ्लाइट थी वो 1 घंटे लेट थी मेरे साथ अनिरुद्ध गजेंद्र ये थे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इनसे पूछ लेना। महाराज जी आए हम महाराज जी को लेके पहुंचे बड़ौच शाम को 5-5:30 बजे लेट हो गए हम जाम वाम की वजह से। जब हम वहाँ उस हॉल में पहुंचे तो लगभग ऐसे लोग तैयार बैठे थे महाराज जी का वेट कर रहे थे वहां महाराज जी के 3 घंटे महाराज जी लगातार बैठे बैंगलोर एयरपोर्ट में 3 घंटे चल के आए सुबह 5 बजे निकले उसके बाद पूरे दिन सफर में रहे और वहाँ हॉल में बार बार लाइट जा रही थी मैंने देखा इतना पसीने में महाराज जी ने बैठ के सबके भाव को स्वीकार करा और उसके बाद 11 बजे महाराज जी हाउस प्रोग्राम करने गए रात को वहाँ प्रसाद हुआ प्रसाद के बाद मैंने कहा अब तो कल आराम से चलेंगे यहाँ बड़ों में प्रोग्राम था यहाँ दिन कड़ी में 9 बजे महाराज जी को सुबह 6 बजे चलेंगे मैंने सो ही रहा था महाराज जी की मंगल आरती की आवाज आ रही थी मैंने भी अद्भुत है महाराज जी सच में सामान्य नहीं है ये मैंने अनुभूति करी। फिर महाराज जी 3 घंटे लगातार 3-4 घंटे बैठे जीत करूँ मेरी स्थिति ऐसी थी मेरी उम्र महाराज जी से आधी है
और मेरी हालत ऐसी थी, पीछे कुर्सी में बस ऐसे बैठा था, मैंने भी अपनी हिम्मत नहीं है, और महाराज जीत ने कहा महाराज जी को जनकपुरी छोड़ के आना, बिल्कुल मेरा सही साथ नहीं देना, विरोध प्रभु को भेजा। तो महाराज जी भी हमारे जो समान नहीं है, हमारे उसी परंपरा में है। सच में महाराज जी ने हमें शरण के रखी है, गुरुदेव हमारे महाराज जी के चरणों में, गुरु वर्गों के चरणों में यही प्रार्थना कि महाराज जी ने ऐसे ही हमारा तो दुष्ट मन है इधर उधर संसार में लगा पड़ा, इसी प्रकार भगवान गुरु वर्गों की सेवा में लगे रहे, यही प्रार्थना वांछा कंपत रूप से कृपा सिंधु के लेके पति चरणों में चाहिए। हरे कृष्ण दामोदर तो जी, दामोदर तो जी आगे आ जाओ, दामोदर है इधर और वशिष्ठ प्रभु इधर आ जाओ, सब दो दो मिनट बोल देना जैसे देखा तुम करो, और कोई बोलने वाले हैं आ जाओ, दामोदर है इधर, वशिष्ठ तुम जन बना आ जाओ, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सबसे पहले मैं अपने परम गुरुदेव पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में पुष्पार्घ प्रसाद आरती प्रसाद चरणारविंदों में प्रणिपात अर्पण करता हूँ। उसके बाद आसन में विराजमान पूज्य मेरे परमाराध्य गुरुदेव शोभा भी जिनके सामने शोभा पा रही है ऐसी श्री महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। देखो अभी महाराज जी ने कहा था कि हम लोग एक माला से माला बढ़ जाती है, माला से माला, पहले एक बार दो माला करी, फिर ऐसे पांच माला हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते भैया हमारे भजन की वृद्धि कैसे हो रही है, क्या हमारे कारण हमारे भजन की वृद्धि हो रही है, क्या हमारे इंटरेस्ट के कारण हमारी भजन की वृद्धि हो रही है, ऐसे वृद्धि नहीं हो रही। रूप गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है गुरुर भजन विक्रमार्थ, गुरुदेव के भजन के ब्याज से ही हमारे भजन की वृद्धि होती है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूज्यपाद महाराज जी के हम लोगों ने गौड़िया वैष्णव परंपरा में हमारा आश्रय हुआ है। भैया मैं मठ में आने के बाद मैंने सबसे पहले महाराज जी के जब दर्शन किए उसके बाद मेरा मन हुआ हरिनाम लेने का, पर मुझे वहां की पाठशाला बहुत प्यारी थी क्योंकि मैं शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, हमारे जो हरियाणा है उसमें हमारे ये लोग दूर से आए इसलिए कथा के बाद आप लोग आना, जो पीछे आ रहे हैं बैठो और पांच मिनट बाद में सबके सब आना, सब बैठ जाओ कोई पता होगा कथा में डिस्टर्ब होगा, चलो बैठ जाओ, बैठे बैठ जाओ सामने बैठो बैठो यहाँ पे। तो मैं सबसे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, तो वहाँ पे समर कैंप्स होते थे, तो समर कैंप्स में अलग अलग एक्टिविटीज सिखाने वाले बाहर के लोग आते थे, तो मैं हमेशा कुकिंग ज्वाइन किया करता था। तो जैसे ही मठ में मैंने पाकशाला देखी तो मठ में ये हुआ कि मैं ठाकुर जी का भोग बनाऊ, और मैंने कहा पूज्यपाद महाराज जी से, महाराज जी मैं मठ में कोई हरि कथा हरि नाम ये सब करने के लिए नहीं आया, मैं तो पाकशाला में भगवान का भोग बनाने आया हूँ। महाराज जी ने कहा तुम चिंता मत करो, और इन्होंने अपना वरदहस्त दास के सर पे रखा और कहा तुम भगवान का भोग भी बनाओगे और भगवान के गुणानुवादों को गाओगे भी। उसी आशीर्वाद का फलस्वरूप है कि 8 मार्च 2018 की जो 8 मार्च थी उसमें जो डॉक्टर जया दवे है राजस्थान की जो राज्य मंत्री है उनसे मुझे सबके साथ सारे विश्व के वहां पे उपस्थित आचार्य वर्ग थे उसमें सबसे पहला नाम मुझे नेशनल सर्टिफिकेट मिला रामकृष्ण कथा के लिए। ये महाराज जी की ही कृपा है भैया, हमारा क्या वचन है हमारा क्या बोल, सब कुछ श्री महाराज जी का ही तो दिया हुआ है, इन्हीं के ब्याज से ही हम लोग भगवान के गुणानुवाद की चर्चा करते हैं। महाराज जी की कृपा गुरुदेव की ही कृपा भजन को इंक्रीज करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुलसीदास जी ने हनुमान जी से यह नहीं कहा कि आप कृपा कीजिए, उन्होंने कहा आप कृपा तो कीजिए पर कृपा कैसे कीजिए जैसे गुरुदेव करते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महाराज जी अरे महाराज जी का गुरुदेव का आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है, उनके चरण रज की बड़ी महिमा है,
गुरुदेव के चरणारविंद में जो रज चरणारविंदों की जो रज है उससे बड़े बड़े कलुष कलेश किलबिश और कौलुषों का नाश करती हुई समस्त श्री भगवान के दिव्य धाम धाम की प्राप्ति कराती है। जय ही चरणन रज को प्रभु मस्तक पर धारे ता चरणन रज की महिमा नारद शारद शेष महेश बधाने। भक्तमान आप लोगों को माने जी देखो गुरुदेव की एक दिव्य महिमा आप लोगों ने तत्व की चर्चा बहुत सुन ली है ये सब और एक लीला के माध्यम से फटाफट गुरुदेव की महिमा बताता हूँ। हमारे गौड़िया वैष्णव विराजते थे श्री गोवर्धन। एक बार क्या हुआ उनका एक शिष्य था बड़ा शिष्य बड़ा ही गुरुदेव के चरणों में पूरी श्रद्धा उसको अथा श्रद्धा गुरुदेव को ही सब कुछ मानने वाला। और भैया ऐसे ही शिष्य से श्री भगवान भेजते हैं लेकिन गुरुदेव को मन में क्षोभ था कि ये केवल मुझ में ही श्रद्धा रखता है जो संत हमारे आते हैं क्योंकि गुरुदेव की परिभाषा क्या है गुरु ही वही जो हरि ही मिलावे गुरु ही वही जो संत सिवावे जो संतों को देखने की दृष्टि अर्पण कर देता है वही सतगुरुदेव है। तो गुरुदेव के मन में क्षोभ होता कि यार ये तो मेरी केवल मुझमें इतनी श्रद्धा रखता है और वैष्णव आते हैं उनको ना ये इतना महत्व देता है ये ठीक नहीं है क्योंकि संत की महिमा ही नहीं जानता। तो गुरुदेव ने सोचा कि इसको मैं बोध कराता हूँ कि वास्तव में संत है क्या। और आए तो फिर एक बार क्या हुआ गुरुदेव के पास वो संत आया और गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गुरुदेव मन में सोच रहे थे कि केवल एक यही कमी इसमें है और यही एक कमी क्यों रह जाए इसके भीतर इसका पूर्ण परिधान से पूर्ण कल्याण होना चाहिए। इसीलिए महाराज जी उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ इसको ध्यान से सुनो। लेकिन उस समय मधुकरी का समय हो रखा था तो शिष्य ने पहले ही आकर के कह दिया था कि गुरुदेव मैं मधुकरी करने जा रहा हूँ। पहले मधुकरी बहुत बहुत दिनों तक होती थी बहुत बहुत जगह पर घूमना पड़ता था फिर मधुकरी प्राप्त होती थी। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं ये जो मधुकरी करने के बाद में आएगा तब मैं इसे इस बात का बोध कराऊंगा। तो गुरुदेव ने इतना तो कह दिया था कि मैं तुम्हारे कल्याण का एक अनुपम मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तो वो चला गया जाने के बाद ये सच्ची घटना है जाने के बाद वो जब गया मधुकरी मान मान के जब काफी दिन हो गए आया तो देखा गुरुदेव का शरीर शांत हो चुका था और सारे के सारे लोग गुरुदेव को यमुना जी में प्रवाहित करने के लिए लेके जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे तो उसने देखा दूर से कि गुरुदेव का शरीर शांत हो गया हृदय में ऐसी प्रेम आकुला उत्पन्न हो गई कि दौड़ा दौड़ करके गुरुदेव के पैरों को पकड़ लिया। गुरुदेव ऐसे कैसे जा रहे हैं आप ऐसे कैसे जा रहे हैं उसने कहा यदि मैंने पूरे के पूरे जीवन में अपने श्री गुरुदेव के चरणाश्रित होकर के गुरुदेव के चरणों में सच्ची प्रीति करी है तो यदि अब गुरुदेव को किसी ने यमुना तक ले जाने की कोशिश करी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इतना देखते ही सारे गृहस्थी आसपास थे वो घबरा गए भैया ये नाश कराएगा हम तो पुण्य करने चले। उन्होंने गुरुदेव को बिठा करके उनको उनके चरण को पकड़ा। गुरुदेव का तो शरीर शांत हो चुका था चरण को पकड़ा हमारे गौड़िया वैष्णव की बात है चरण को पकड़ा और जोर से बोला पाहिमाम गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ पाहिमाम गुरुदेव। वो आवाज गुरुदेव आवाज वो कारुण्य आवाज ऐसी थी कि उस दास की आवाज ऊपर सप्तावर को भेद करती हुई कैलाश को भेद करती हुई अयोध्या को भेद करती हुई और वैकुंठ तक को भेद करती हुई बोलो नावन में पहुंची। वहां पर गुरुदेव श्री राधा माधव की चरण सेवा कर रहे थे। जैसे ही वो आवाज ऊपर पहुंची ठाकुर ठाकुरानी जी का सिंहासन हिलने लग गया और उन्होंने कहा अरे वत्स गुरुदेव सेवा कर रहे थे उनकी सेवा में उपस्थित थे। तो गुरुदेव को कहा कि जाओ तुम्हारे भक्त का कल्याण करना है तुम्हें और वो कल्याण के बिसर बैठा हुआ है इसलिए जाओ जाकर के नीचे जाओ और जाकर के उसको उपदेश करो। उसने कहा प्रभु आपके धाम की महिमा की कोई जो एक बार आ जाता है वापस नहीं जाता। बोले नहीं नहीं भक्तजन अवश्य जाते हैं वो संत और गुरुदेव बन करके नीचे जाते हैं और हाँ और पतित जीवों का उद्धार करते हैं। गुरुदेव आए गुरुदेव आकर के उन्होंने कहा गुरुदेव आप ऐसे कैसे चले गए।
आप मुझे कम से कम वो पद्धति तो बता दीजिए जो आप बताने जा रहे थे। गुरुदेव ने फिर उन्हें समझाया कि सभी संतों का सम्मान करो, सभी वैष्णवों के चरणों में प्रीति रखो, मेरे अकेले के ही नहीं सारा वैष्णव जगत एकाएक है, श्री भगवान का दास है, अतः तुम उन सभी के चरणों में प्रीति रखोगे तो तुम्हारा अहर्निश कल्याण होगा। इतना कहते ही सद्गुरुदेव ने उपदेशामृत से उपदेश किया उसे और पुनः भगवान के धाम को चले गए। ये सच्ची घटना श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा में हमारे गौड़िया सकती है। सभी वैष्णवों के चरणारविंदों में प्रणिपात करता हुआ, श्री माया जी के चरणों में बार बार प्रणिपात अर्पण करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कर पत्र कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव। हरे कृष्ण दो मिनट दामोदर है क्या दामोदर जल्दी दो मिनट फटाफट आगे 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 पंद्रह एक श्लोक में बोलने का बोलो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तराय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय करभक्ताय नमो नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म नित्यलाप विश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण सरोवर में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव व्यास पीठ पर आसीन पूजपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण सरोवर में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता अजीत प्रभु अंधित प्रभु व अन्य सभी वैष्णव वैष्णवियों के गुरु भाइयों के चरणों में मेरे भाइयों के दर्शन करना। मेरी बोलने की पात्रता नहीं है, फिर भी पूज्य महाराज जी का गुरुदेव के वचनों को मैं अपने सिरोधार करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं महाराज जी के समक्ष जब भी कुछ बोलने को आता हूँ मेरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि आता ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लास में जो नालायक बच्चा होता है जब उसको खड़ा कर देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा कांपता है, क्योंकि उसे कुछ आता नहीं। फिर भी मैं 5 मिनट के अंदर जो गुरुदेव ने मुझे सिखाया है उसी के आपके सामने समक्ष रखने की चेष्टा करूँगा। आज सुबह जब उठा था, मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, सुबह जब उठा तो बारिश हो रही थी, मन करा कि नहीं जाऊँ, बहुत बारिश है। फिर थोड़ा इंतजार करने लगा बारिश रुकने का, फिर अंदर से आवाज़ आया जाते ही नहीं है यार, थोड़ी देर में ऑफिस निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते। अंदर से मन में आवाज़ आई, अगर यही काम तेरे घर में होता कहीं पे तो क्या तू बारिश का बहाना करके रुक जाता, या 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है तूने ऑफिस जाना छोड़ दिया। अंदर से मन में प्रेरणा आई, नहीं जाना है, महाराज जी के दर्शन करना है, गुरुदेव का दर्शन करना है, क्योंकि अखंड गुरु तत्व तो एक ही है। इस भाव को लेते हुए अंदर से जो प्रेरणा हुई गुरु तत्व ने, जो मुझे प्रेरणा दी गुरु महाराज ने, वो ढक्का देके मुझे यहाँ ले गए। गुरुदेव के गुरु तत्व के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं गुरु तत्व से खुद अनभिज्ञ हूं, लेकिन फिर भी जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है गुरुदेव से सुना है वही मैं आपके सामने बोलूंगा। शास्त्रों में बहुत से उदाहरण है गुरुदेव के ऊपर, बहुत उदाहरण है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इसका अर्थ सभी जानते हैं, सभी इसकी नित्य वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म के समान है ना। इस श्लोक की व्याख्या हम वैष्णव अलग करते हैं, यहाँ पे गुरुदेव को सब कुछ बताया गया, लेकिन हमारे यहाँ जिस गुरुदेव ने परमपिता परमेश्वर तुम्हारे इष्ट देव से मिला दिया वो गुरुदेव ही पार ब्रह्म के समान है, अन्यथा वो गुरु नहीं जो केवल अपनी सेवा में लगा है। बड़े सूक्ष्म रूप में मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे सब दीदी ने माताओं ने अभी ने सबने अपना अपना ऋषि प्रभु ने अपना एक अनुभव रखा। तो मैं शुरू से भगवान विष्णु का उपासक हूँ, बचपन से भगवान विष्णु को उपासक, लेकिन उनके ऐश्वर्य रूप का। भगवान क्षीर सागर में विराजमान हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण चाप कर रही है, मैं नित्य इस स्वरूप का ध्यान करता था भगवान के। लेकिन मेरे मार्गदर्शक गुरु सुधीर प्रभु जी वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे समझाया नहीं कृष्ण ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवान है। बहुत बातचीत हुई गुरुदेव से मिलने से पहले, पूज्य महाराज जी के ही मुझे दर्शन हुए। महाराज जी के दर्शन हुए 2007 में, गुरुदेव से मिला भी नहीं था जब। उसके बाद जब गुरुदेव के दर्शन किए, सब कुछ ठीक था, हरिनाम ले लिया, सब काम कर लिया, लेकिन मन में एक प्रश्न था कि गुरुदेव की इतनी पूजा क्यों, गुरुदेव को ही हम इतना क्यों पूजते हैं।
क्या गुरुदेव साक्षात भगवान की जगह ले सकते हैं क्या? मैंने मेरे दादाजी रामायण का पाठ करते थे तो रामायण उनसे सुनता रहता था, और वो जो बोलते थे कि गुरु बिन भवन निज तरह ही ना कोई, चाहे बिरंच शंकर सम हो, यानी शंकर जैसे आप योगी क्यों ना हो जाओ, शंकर जैसी परम उपाधि आपको क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर जीवन में गुरु तत्व नहीं धारण किया, गुरुदेव के अनुगत नहीं गए, चणाशय नहीं लिया, तो कल्याण नहीं है। इस वजह से गुरु धारण कर लिए, इस श्लोक में ये समझा दिया। लेकिन गुरुदेव की पूजा ही हम क्यों करें, क्यों भगवान की पूजा ना करें हम, ये बात समझ में नहीं आई। फिर भगवत गीता पहले भी पढ़ी थी, लेकिन गुरुदेव के अनुगत में आके भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करने लगा। रामायण को फिर दोबारा से पढ़ा, रामायण को फिर समझने का प्रयास करने लगा। तो रामायण में अरण्यकांड है, अरण्यकांड में श्री सबरी और भगवान के बीच में नर्मदा भक्ति का उपदेश करते हैं भगवान। नर्मदा भक्ति के उपदेश में उन्होंने साक्षात ये साबित कर दिया कि गुरु तत्व ही परम है, गुरु तत्व मेरे से अधिक है। भगवान कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि जो मेरी तीसरी प्रकार की भक्ति है गुरुपाद पद्मों की सेवा करना है। अब जब ये बात स्वयं भगवान ने कह दी, स्वयं त्रिलोकीनाथ ने कह दी, तो संशय का तो कोई विषय नहीं। जब संशय का कोई विषय नहीं रहा तो गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न होने, है ना। नर्मदा भक्ति में भगवान शुरू से लेकर आखिरी तक, इसमें से सातवीं भक्ति तक भगवान केवल गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की भक्ति का उपदेश देते हैं। सातवीं भक्ति में भगवान कहते हैं, सातव समूह मैं जगह देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, यानी कि मेरे से अधिक संतों की सेवा करना, मेरे से अधिक गुरु वैष्णवों की सेवा करना। अब जब भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं तो जगह जगह लोग प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ने क्यों, गुरु सब कुछ छोड़ी है, गुरु ये है, गुरु वो है, है ना। बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, एक ही चीज को विस्तार से कहूंगा। लेकिन जो जिस मूल रूप सिद्धांत को मैंने अपने हृदय में धारण करते हुए गुरुपाद पद्मों के चरणों में श्रद्धा रखी, उनको स्वयं भगवान, भगवान का अभिन्न रूप समझा, वही भाव हृदय में रखते हुए मैं आप सबके चरणों में ये निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ गुरु तत्व के ऊपर कुछ बोल सकूं, लेकिन जो मोटा मोटा मुझे समझ आया, जो मेरी मोटी बुद्धि ने ग्रहण किया कि भगवान राम स्वयं इस बात को कह रहे हैं, है ना, कि गुरु मेरा ही स्वरूप है, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, मनी मेरी तीसरी भक्ति है यदि कि गुरु के चरणों में एकनिष्ठ भाव से सेवा करता है, ठीक है। तो इसमें संशय का कोई विषय ही नहीं है, गुरुदेव अनंत है, गुरुदेव की कथाएं अनंत है, उनको हम बोल नहीं सकते, उनको हम समझ नहीं सकते, मैं तो नहीं समझ सकता, आपका अपना अपना यथा सामर्थ्य, ठीक है। तो बस मैं गुरुपाद पद्मों के चरणों में अंत में यही निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, मैं जीवन के किसी भी पथ में अगर भटकूं तो आप मुझे पकड़ लेना, आप मेरे अंदर ये अभिमान मत आने देना कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हो गया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, ठीक है। गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि देते हुए मैं यहीं पे अपने वक्तव्य विराम देता हूँ। आपसे वैष्णव चरणों में यथा परम प्रार्थना कर दूं श्री पास अंदर एवज कथिता नाम पावन दोषी वैष्णव बैठ जाओ, अरे अरे अभी बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, फिर खड़े होना है, अभी कोई खड़े मत हो, दो मिनट बैठ जाओ, सर्वप्रथम गुरुपादपद्मलीलाचार्य श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। अपने पद पदक सर गुरु श्री लाल कृष्ण दास प्रभु के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ, कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित पूज्य पाठ जीत प्रभु अनिरुद्ध प्रभु उपस्थित भक्तजन माध्यम सभी के चरणों में यथायोग्य नमन प्रणाम करता हूँ। अभी एक दीदी आई थी इससे पहले, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि गुरुवर कहाँ से किसको लेकर के आते और किसकी उनकी श्रद्धा कहाँ थी और किस तरह से कृष्ण की ओर गई। जीवन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी को नहीं बोल करके गुरुदेव के आगे बोलनी चाहिए, पर जब वो बोल के गई तो मैं एक अपनी अनुभूति आपको बोल देता हूँ।
अरे और दो मिनट बैठ जाते, अरे दो मिनट में बैठ जा। प्रभु जी कथा ये लास्ट है, फिर गुरु जी की आरती होगी, प्रसाद लेने जाए। सब कैसे बैठ जा, खड़े खड़े सब दो मिनट बैठ जा। ये माता है ना, एक खड़े होकर सब खड़े हो जाते। सब बैठ, कोई जो खड़े हो वही बैठ जाए। बताओ कोई मत इधर है, कोई बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बोल, कम से कम महाराज जी की आज्ञा का तो पालन कर ही ले लो। गुरु पूर्णिमा पर भी बहुत सुन रहे हैं अभी, किताब कितनी जैसे क्या सुन रहे हैं हम लोग। ओ, उन्होंने जो बात कही शिव जी के बारे में, शुरुआत जीवन की अधिकतर लोगों की ऐसे ही होती है। ज्यादातर लोग देवी देवता के उपासक होते हैं शुरुआती समय में, क्योंकि किसी को स्कूल में पास होना होता है, किसी को कुछ और करना होता है। माताएं ज्यादातर दुर्गा जी के पास जाती हैं और पुरुषों को अधिकतर शिव जी के पास भेजे जाते हैं, क्योंकि लड़कों के लिए शिव जी के पास क्यों जाते हैं कि सबसे ज्यादा सरल बहाना होता है। कोई नशा करना है तो बहाना मिल जाएगा, समझ आ गई बात। अगर कोई मिशन करना है, कोई भी दोषपूर्ण चीज करनी है जीवन में, कोई सुपारी खानी है, गुटखा खाना है, कुछ भी खाना है, तो किसका बहाना उचित है? भगवान शिव का उदाहरण बड़ा साधारण होता है हमके पास, तो हम भी बचपन में ऐसे ही थे, यही करते थे। लेकिन हमारे पास पता चला, गुरु ने कहा कि नहीं, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने कहा भैया हम क्यों मान लें? उन्होंने कोई बात नहीं, मानो मत, पर मंदिर रोज आओ और सेवा करो। तो वहां एक शिवलिंग था, आजकल तो सब संगमरमर लगाते बढ़िया। आज से 15-20 साल पहले, 17-18 साल पहले संगमरमर होती थी, ईंटें होती थी ईंटें, और शिवलिंग के नीचे काई लग जाती, लोग मीठा चढ़ा के जाते हैं ना। और उनकी एक आदत थी, वैष्णव है ना, तो वैष्णवों की रुचि होती है मंदिर सेवा करेंगे, मंदिर मार्जन करेंगे, कुछ भी करेंगे, इतनी श्रद्धा से करेंगे कि एक भी धूल का कण दिखाई देगा ना तो उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है ना वहां पर कौन है, साक्षात भगवान की सेवा हो रही है। अभी जगत के कहीं मंदिर में जाओ, कहीं धूल लग रही होगी, कहीं झाला लग रहा होगा, कोई साफ नहीं करेगा, भगवान के कपड़ों पर धूल जम रही होगी, कोई उनको देखेगा नहीं, लेकिन अपनी खूब ड्रेस साफ होगी। वैष्णव पलट होते हैं, अपने कपड़े फट रहे होंगे पर ठाकुर जी का नए चमचमाते हुए पहने, ऐसे होता है। वो हमको शिवलिंग को साफ करने की सेवा देते थे, हम बड़े अच्छे से साफ करते थे, कभी कभी हाथ पीछे लग जाता था तो फट जाता था, तो हम कभी कभी बोलते थे यहाँ पत्थर ही लगवा लो शिव जी से, ये हाथ रोज फट जाता है, रोज खून निकलता है। तो सुनते हैं, उन्होंने बालों पत्थर लगवाए, शिव जी ने सुन ली, पर मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, जो शिव जी की सेवा है ना नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कई बार कहा, कथाएं सुनी, जैव धर्म सुना, सबसे पहला धर्म ग्रंथ, और जब बात सुनी, पहला चैप्टर सुना, छोड़ दिया शिव जी की सेवा को, मन से रुचि से जब छोड़ दिया पहले चैप्टर को सुनने के बाद। अभी सपने में रोज सांप दिखाई देते हैं, ऐसा शिव जी कर नहीं सकते, अब समझ आ रहा है। लेकिन उस समय भ्रांति होती है ना, मन में उद्वेग होता है कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। रोजाना सांप दिखाई दे रहे हैं, कभी छाती पर चढ़ा हुआ, कभी सिर पर बैठा हुआ, इस तरह से। तो जब बहुत परेशान हो गए, 1.5-2 महीने कुछ ही तरह से शांति प्राप्त नहीं होगी, उन्होंने कहा ठीक है, एक उपाय बचता है, शिव जी से ही प्रार्थना करो कि किसकी ओर जाना है और किसकी ओर नहीं जाना। तो भगवान शिव से ही प्रार्थना की, परेशान हो गए ना, तो भगवान शिव से ही प्रार्थना की, और उन्हीं की कृपा से एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में शिव जी दिखाई दिए साक्षात। कलयुग में कहा गया है भगवान को स्वप्न में भी दर्शन करने पर साक्षात दर्शन करने का फल है। शिव जी आए, मैंने उनको प्रणाम किया, पर उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही जो जीवन में अभी तक याद है। बैठ जी उन्होंने कहा, जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस उचित जीवन में कोई और मार्ग हो नहीं सकता, बहुत उचित मार्ग है, और इससे श्रेष्ठतम वस्तु जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वो आज तक शिव जी की कही हुई स्वप्न की बात याद है, और दूसरे गुरुदेव की बात, गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं ये सब लोग जानते हैं, पर हम जैसे अधम तो विशेष कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने अपने दर्शन देने से पहले 3 साल पहले स्वप्न में दर्शन दिया, और स्वप्न में दर्शन जब दिया उसके बाद 3 साल तक मैं अपने पद पद गुरु से साथ कभी 6 महीने के गैप में, कभी 4 महीने के गैप में 3 बार मथुरा गया, 3 साल में 3 बार, और तीनों बार मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। मठ तक एक बार गए, उनको इतना बुखार आया मठ भी नहीं है, घर में ही रह गए।
दूसरी बार गए बोले तुझे लेके नहीं जाऊंगा मनहूस है, तू गया तो गुरुदेव का दर्शन भी नहीं हुए, घर में ही रह गया। फिर वो गए हम मठ पहुंचे, गुरुदेव विदेश चले गए, ऊपर ही नहीं चढ़े, नीचे से फिर वापस आ गए। तीसरी बार गए फिर से दर्शन नहीं हुआ, और चौथी बार जब गोवर्धन मठ में गुरुदेव का दर्शन हुआ तो मैंने उनसे कहा उनके कान में जो मुझे लेके गए, मैंने कहा ये तो वही है जिनको मैंने सपने में देखा था। तो गुरुदेव ने बोला कि हाँ मुझे बताए तू इनसे क्या बात कह रहा है। गुरुदेव ने बोला हाँ मुझको बताए तू उनसे क्या बात कह रहा है और मैं जानता हूं। और गुरुदेव ने उसी समय पर मेरे को उसी गोवर्धन में वहीं पर जिसमें गुरुदेव की भजन कुटी है वहीं पर गुरुदेव ने नाम दिया और इस अपात्र को भी पात्रता ना होते हुए भी गुरुदेव ने स्वीकार किया। लेकिन उस समय श्री गुरु महाराज की और गुरुदेव सबके मन की बात जानते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण दे दूंगा, महाराज ने समय कम दिया है। आप देखो ये अगले महीना कौन सा महीना सावन और अंग्रेजी का झूला झूला कौन सा अगस्त अगस्त 22 तारीख को वृंदावन में ठाकुर जी को झूला पड़ेगी। इसलिए 22, 23, 26, 25 तारीख को झूला पड़ेगी और उसमें श्री रूप गोस्वामी की तिरुभाव महोत्सव उपलक्ष्य में बहुत अच्छी अच्छी संत लोग आते हैं, बहुत से लेना आप सबको निमंत्रण है और कम से कम वहाँ 2 दिन जा करके नहीं तो 3 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है 2-3 दिन कम से कम। एकादशी को अगर नहीं आ पाती हो एकादशी को शाम का आ जाओ, द्वादशी का दिन श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव है और बड़ी सुंदर कथा होती है, बड़े बड़े संत लोग आते हैं और वहाँ पर उत्सव भंडारा होता है। इसलिए रहना फ्री प्रसाद फ्री सब चीज फ्री है, रहना फ्री और प्रसाद फ्री, इसलिए केवल वहाँ आना और केवल कथा सुनना। ठीक है सबके सब झूला महोत्सव में आने का ठीक, कौन कौन आएगा वाह बहुत अच्छी बात, सबके सब आना वहाँ पर और उत्सव में योगदान देना। और देखो अभी हम लोगों ने श्री गुरुदेव की अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी हम लोगों ने कथा सुनी है। हाँ देखो ध्यान से एक मिनट 2 मिनट सब सबके सब रोज बैठी जो माला दी है रोज वो माला जप करने का, ऐसे नहीं एक दिन इच्छा हो गया तो माला जप कर लिया दूसरे दिन जहाँ तहाँ लटक रहा है, नहीं। गुरुदेव बोलते थे माला कभी भूखी नहीं जानी चाहिए, मतलब है माला कभी ऐसे दिन नहीं जाए जो माला हमसे जप नहीं, माला जरूर जप करना। और जो तिलक लगाते हो ये तिलक रोज लगाते तब हमने तिलक लगा कर गुरु जी को पास ना आ गए, फिर गुरुदेव जब चले गए तिलक ही मिट गए, ऐसे नहीं होनी चाहिए रोज तिलक लगनी चाहिए। गले में जो कंठी पहने हो गुरुदेव ने 3 चीज दिए, जो गले में जो कंठी पहने हो गुरुदेव बोलते थे जब गले से कंठी टूट जाए जब तक 2 बार गले में कंठी नहीं पहने तब तक पानी पीना भी पाप है, पानी पीना भी पाप है। इसलिए अगर उसी माला को 2 बार उपयोग करके फिर गले में माला पहन लेनी चाहिए, ठीक है ना। और जो माला लिए हो रोज ये माला जप करनी चाहिए, जब तक माला नहीं जप कर लेते हैं तब तक भोजन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज को कम से कम याद रखना और वृंदावन में आना और सबके साथ भजन करना। अभी हाँ अभी गुरु जी की आरती होगी, अभी गुरु जी की आरती होगी। क्या चाबी हाँ किसका चाबी खो गया, देख इधर देख लो ये चाबी किसकी है, यहाँ से ले जाना। अभी अभी मत जाओ सबके सब खड़े हो, गुरुदेव का अभी